बंदूक दिखा के डराता है क्या बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हो डराने के लिए नाम ही काफी का उड़ना बंद कर गए अपने आप जमीन पर आ हॉस्पिटल के सामने खड़े हो होकर फूफू कर रहे -बी है, अंदर है क्या हुआ भाभी को वही औरतों वाली बीमारी।, और तो बीमारी खर्चा इतना तो सिगरेट कितने की दस रुपए की दस रुपए की और जेब में कितनी पड़ी एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या मौत रहा है ये मौत इस पे मौत और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी <laughs> हसमत दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकती और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच अबास हीरोगिरी ये पीने में नहीं है ये देने में फिल्म में अस्सी के दशक का मुंबई है जहां पर गायतोंडे अपने गुंडों के जरिए जेल में बैठकर हफ्ता वसूली का धंधा चलाता है उसी सिलसिले में एक बार वह अब उसके गुंडे आमृतराव के छोटे भाई अर्जुन यानी प्रतीक बब्बर को जान से मारने की कोशिश करते हैं तब आमर्त बदला लेने के लिए हथियार उठा लेता है गैंगस्टर बनने की राह में आमर्त के सर पर हाथ रखता है मुंबई का किंग मेकर भाव यानी महेश मांजरेकर माफिया सत्ता राजनीति और दुश्मनी के इस सफर में गैंगस्टर के रूप में आमर्त का कद बढ़ता जाता है वह काजल अग्रवाल से शादी भी कर लेता है और अपने छोटे भाई अर्जुन को इस खूनी खेल से दूर रखने के लिए लंदन भेज देता है मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आमर्त मुंबई के जाने माने मिल मलिक खतान ने समीर सोनी को सारे आम कत्ल कर देता है और वही से मुंबई की सत्ता पर काबिज रखने का आमर्त का गणित गड़बड़ा जाता है खैतान की पत्नी अंजना सुखानी अपने पति के कातिल को पकड़वाने के लिए उस पर दस करोड़ का इनाम रख देती है अब आमद को गायतोंडे जैसे कैया दुश्मन का सामना तो करना ही है साथ ही विजय सारवाकर जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के वार से भी बचना है गैंगस्टर और पुलिस की इस लुका में किसकी जीत होती है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी निर्देशक संजय गुप्ता चेंजिंग और कत्ल के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य से फिल्म की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट हाफ तक धमाकेदार एक्शन और इमोशन से दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं अपनी फिल्म के किरदारों को उनके लुक एक्शन और डायलॉगबाजी से लार्जर देन लाइफ बनाना संजय गुप्ता की विशेषता रही है जिसका निर्वाह उन्होंने यहाँ भी बाखूबी किया है मगर दिक्कत तब आती है जब आप पहले भी कई बार देखी हुई कहानी को देखते हैं गुप्ता की कहानी में नएपन का अभाव है सेकेंड हाफ में तेज़ी से बदलते घटनाक्रम कहानी को उलझा देते हैं क्लाइमैक्स निर्देशक ने, ने अपनी पसंदीदा सेल में भी रखा है बंदूक से निकली गोली ना ईद देखती है और ना होली मराठी को जो रोकेगा मराठी उसे ठोकेगा जैसे संवाद फ्रंट बेंचेस को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं फिल्म का लुक पूरी तरह से अस्सी का फील देता है संगीत की बात करें तो पायल देव के संगीत में देव नेगी का गाया डंका बजा कहानी को आगे ले जाता है मगर हनी सिंह की आवाज़ में शोर मचेगा अचानक आ जाता है एक्शन के हाहाकारी दृश्यों के साथ जॉन अब्राहम बेरहम गैंगस्टर के किरदार में हर तरह से फिट बैठते हैं इमरान हाशमी की एंट्री फिल्म में लेट होती है मगर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसर के रूम में वे रंग जमा देते हैं जॉन और इमरान नहले पर दहला साबित हुए हैं महेश मांजरेकर किंग मेकर भाव के रूप में चाँचते हैं तोमल गुप्ते गायतुंडे के रोल में चौंकाते हैं काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी जैसी फीमेल कास्ट को स्क्रीन पर कुछ ज़्यादा करने का मौका नहीं दिया है प्रत्येक बब्बर रोहित राय गुलशन ग्रोवर आदि अन्य कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं को न्याय दिया है सुनील शेट्टी मेहमान कलाकार के रूम में आते हैं अगर आप एक्शन के तगले डोज के शौकीन हैं और जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के फैंस हैं तो मुंबई सागा फिल्म जरूर देखें टाइम तो सबका आता है मेरा दौर आएगा ये डायलॉग जब सिनेमाघरों में सुनाई दिया तो पूरा थिएटर सीटियों से गूंज उठा एक्टर जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की मोस्ट अवंटेड फिल्म मुंबई सागा को फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था फिल्म में जॉन अब्राहम एक गैंगस्टर के किरदार के रूप में नजर आए हैं फिल्म में जॉन अब्राहम एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं जबकि इमरान हाशमी एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखाई दे इन दोनों के बीच की लड़ाई और धमाकेदार एक्शन ही इस फिल्म का अहम हिस्सा है फिल्म में बाला साहेब ठाकरे से प्रेरित एक किरदार है भाऊ यानी महेश मांजरेकर जो अपनी सभा में कहते हैं कि मुंबा देवी का शहर है हमारी आई है तो आज से इस शहर का नाम होगा मुंबई फिल्म में संजय गुप्ता ने उस वक्त की कहानी को दिखाने का प्रयास किया है जब मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था और शहर में अंडरवर्ल्ड के कई गैंग चालू थे बॉम्बे पर गैंगस्टर गायटुंडे का राज था उसके आदमी आम दुकानदारों से आए दिन मनचाहा हफ्ता वसूली करते थे शहर भर में कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था एक दिन एक बारह साल के लड़के ने उनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई लेकिन उसी वक्त गायटुंडे के आदमियों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया अर्जुन के बड़े भाई अमृत राव यानी जॉन अब्राहम को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चलता है तो उसके अंदर बदले की आग ऐसी उठी कि वह बिना सोचे समझे उसने अपराध की दुनिया में कूद गया अपने सबसे बड़े दुश्मन गायटोंडे को ख़त्म करना ही अमृत राव का लक्ष्य बन जाता है और इस कहा में उसका साथ देते हैं मुरली शंकर यानी सुनील शेट्टी ड्रग डीलर नारी खान यानी गुलशन ग्रोवर और किसानों का एक नेता भाव यानी महेश मांजरेकर आमर्त राव अपने दोस्तों के साथ एक नया गैंग बनाता है और यहीं से वो पुलिस के रडार पर आ जाता है यहाँ एंट्री होती है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सरवाकर यानी इमरान हाशमी की फिल्म में आमर्थ ऐलान करता है कि आज से कोई गुंडों को हफ्ता नहीं देगा वह अकेला पचास पचास गुंडों को बैठता है जेल जाकर भी गायटोंडे के नाक के नीचे से बच निकलता है वो इतना बड़ा अपराधी बन जाता है कि पुलिस को उस पर दस करोड़ रुपये का इनाम रखना पड़ता है जान अब्राहम को हम पहले भी मुंबई के डॉन के रूम में देख चुके हैं फिल्म शूट आउट एट लोखंड वाला और मुंबई सागा की कहानी में कुछ नया नहीं है फिल्म का पीला हरा कलर टोन भी यहाँ उनकी पुरानी एक्शन अपराध कथाओं जैसा है अपराधी नायकों का अंदाज़ हमेशा कितना स्टाइलिश है उनके डायलॉग और एक्शन ध्यान खींचते हैं ऐसे में अगर आप बगैर दिमाग खर्चा किए देखें तो मुंबई सागा पसंद आएगी फिल्म का पीला हरा कलर टोन भी यहाँ उनकी पुरानी एक्शन अपराध कथाओं जैसा है अपराधी नायकों का अंदाज हमेशा कितना स्टाइलिश है उनके डायलॉग और एक्शन ध्यान खींचते हैं ऐसे में अगर आप बगैर दिमाग खर्च किए देखें तो मुंबई सागा पसंद आएगी इमरान हाशमी लंबे समय बाद थोड़े बर्दाश्त करने लायक हैं वह यहाँ अपने कुछ कुछ खोए अंदाज़ में संवाद बोलते हैं और एक्शन दृश्यों में भी थोड़े रोमांटिक लगते हैं सुनील शेट्टी गुलशन ग्रोवर और प्रत्येक बब्बर समेत बाकी कलाकारों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इन्हें ज़बरदस्ती फिल्म में जोड़ा गया है फिल्म की कहानी अस्सी के दशक की है लेकिन फिल्म के गाने यो, यो हनी सिंह ने गाए हैं जो कि बहुत ही मज़ाकिया लगता है लेकिन फिल्म के डायलाग्स जरूर पसंद आते हैं पुरानी फिल्मों की तरह इस फिल्म के भी कुछ डायलॉग को दोस्तों के साथ दोहराया जा सकता है आइए जानते हैं मुंबई सागा फिल्म की कहानी अमर्थ राव नाम का एक आदमी है जिसकी फैमिली सब्जी बेचने का काम करती है इन सब्जी वालों को गायटोंडे नाम के एक गुंडे को प्रोटेक्शन मनी बोले तो हफ्ता देना पड़ता है मगर एक हादसे के बाद अमर्त गायटोंडे के गुंडों को पीट देता है मगर एक हादसे के बाद आमर्त गायटोंडे के गुंडों को पीट देता है फिल्म के शुरुआती 20-25 मिनट में अलग अलग लोकेशंस पर आमर्त सिर्फ गायटोंडे के गुंडों को पीटता रहता है इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कहानी में भाव की एंट्री होती है जो कि छत पर सेना के सर्वे सर्वा हैं बाल ठाकरे से प्रेरित ये किरदार आमर्थ को मुंबई का किंग बनाने की बात कहता है इसके लिए शर्त यह है कि आमृत को गाइटुंडे के रास्ते से हटाना होगा इंट्रोल से ठीक पहले गाटुंडे और आमर्थ की लड़ाई में एक नई एंट्री होती है एक पुलिस वाला जिसका नाम विजय सावरकर है विजय आमर्थ को मारने आया है इसके बाद ये फिल्म चूहे बिल्ली का खेल बनकर रह जाती है विजय आमर्थ को मारने की कोशिश करता है और आमर्थ उससे बचने की मगर ये सब होता है फुल स्वेग और स्लो मोशन में मुंबई सागा में जॉन अब्राहम ने आमर्त और इमरान हाशमी ने विजय का रोल किया है गायदोंडे का किरदार निभाया है अमोल गुप्ते और भाव के कैरेक्टर में दिखे हैं महेश मांजरेकर अच्छी बात यह है कि इन सभी कैरेक्टर को फिल्म ने ठीक ठाक समय दिया है जिसमें इन एक्टर्स ने मिलकर फिल्म को देखने लायक बना दिया है जॉन अब्राहम चीखते चिल्लाते गुंडों को पीट रहे हैं ये चीज़ उन पर शूट करते हैं इमरान ने एक ऐसे पुलिसवाले का रोल किया है जिसे देखकर लगता है कि वो हिंदी फिल्में बहुत देखता है इमरान ने इस कैरेक्टर में एक बियड ह्यूमर के साथ जो स्वर्ड ऐड किया है वो फिल्म को देखने का मजा बढ़ा देती है महेश मांजरेकर भी भाव के रोल में बढ़िया लगे हैं मगर मेरी राय में इस मुंबई शाखा में सबसे मज़ेदार काम है अमोल गुप्ते का गईडुंडे का किरदार एक खतरनाक गैंगस्टर का है जो थोड़ा सा क्रेजी है अमोल को देखकर लगता है कि यह आदमी स्क्रीन पर जो कर रहा है उसे फुल ऑन इंजॉय कर रहा है फिल्म में काजल अग्रवाल प्रत्येक बब्बर और अंजना सुखानी भी नजर आई हैं प्रत्येक ने आमर्त के छोटे भाई अर्जुन का किरदार किया है पूरी कहानी अर्जुन के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है मगर वो हीरो नहीं है काजल और अंजना को करने के लिए इस फिल्म में कुछ नहीं था मुंबई सागा संजय गुप्ता की पिछली फिल्मों से कुछ खास अलग नहीं है मगर उनकी पिछली फिल्में खूब देखी गई हैं कांटे और शूट आउट एट लोखंडवाला तो कल्ट स्टेटस प्राप्त हैं मुंबई सागा का यह कहकर प्रचार किया गया था कि यह बॉम्बे में मुंबई बनने की कहानी है मगर इसकी कहानी में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे खास है वो चीज़ कि इस कहानी को कैसे दिखाया गया है संजय गुप्ता के कैमरा एंगल्स कई मौकों पर बहुत आउट ओरियस होते हुए भी ठीक लगते हैं मतलब वो फिल्म में आपका इंटरेस्ट बनाए रखते हैं स्लो मोशन में चलता अपना हीरो मगर फिल्म का हीरो कौन है इसका चुनाव आप पर छोड़ दिया जाता है जैसे कि जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव चीज के रूप में देखा जाना चाहिए संजय गुप्ता की फिल्मों में गैंगस्टर बहुत स्वयब कैरी करते हैं मगर तौर पर ये चीज़ें दूसरी दिशा में चलती जाती हैं मगर आश्चर्यजनक रूप से फिल्म गैंगस्टर को ग्लोरीफाई नहीं करती पहले उन्हें बड़ा बनाती है और फिर घुटनों पर ला कर खड़ा कर देती है इस फिल्म को देखते हुए एक चीज़ बार बार खलती है वो है इसका कलर पैलेंट एक्चुअली में एक पीरियड फिल्म है इसे उस रंग में लड़ने के लिए पूरी फिल्म में ऊपर मानो पीली पन्नी बिछा दी गई है जो बहुत इंटिंग लगती है बेसिकली उस रंग का यह काम है कि वो आपको एहसास दिलाने की पूरी बात हो रही है मगर यहाँ ये यह चीज़ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रीम से चली गई है फिल्म के जिन सीन्स में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी आमने सामने रहते हैं वो बिल्कुल थिएटर से सिटी और तालियों के हिसाब से लिखे गए हैं इन सीन को देखने में बहुत मज़ा आता है मगर बहुत कम मौक़ों पर एक्टर्स एक दूसरे के सामने पड़ते हैं वहाँ पर थोड़ा सा लेट डाउन फील होता है मगर चलेगा दूसरी दिक्कत वाली बात यह है कि फिल्म में हनी सिंह के उस गाने को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कहीं से भी वो फ़िल्म में कुछ जोड़ नहीं रहा था फिल्म के डायलाग्स कम वर्ड प्ले ज़्यादा हैं शब्दों के हेर फेर के साथ ऐसी लाइनें बनाई गई हैं जिससे एक समय बाद मन उबने लगता है मुंबई सागा बहुत एक्स्ट्रा फिल्म नहीं है मगर उसका थिएटर एक्सपीरियंस कमाल का, का है मगर आप मार काट और बंदूक से लैस एक्शन फिल्म देखने के शौकीन हैं तो जाइए सिनेमा देखिए मगर लंबे समय से किसी ढंग की फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आपका इंतज़ार इस फिल्म का ख़त्म नहीं होता है साल 2021 की अब तक की सबसे बड़ी मल्टी स्टार फिल्म मुंबई सागा 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही थी फिल्म में जॉन अब्राहम इमरान हाशमी सुनील शेट्टी रोहित राय महेश मांजरेकर के अलावा काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी का भी अहम रोल है इस फिल्म में जॉन अब्राहम एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं जो एक रियल लाइफ गैंगस्टर की ज़िंदगी से प्रेरित है फिल्म मुंबई सागा में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए रोहित राय कहते हैं कि फिल्म में मैं एक बाबा नाम के डॉन का किरदार निभा रहा हूं, जो अमृत राव के बचपन का दोस्त है और दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं अमृत राव को लोग अमर भी कहते हैं और एक किरदार जॉन अब्रह निभा रहे हैं बाबा और अमर की दोस्ती भाइयों से भी ज़्यादा बढ़कर है रोहित राय ने अपनी फिल्म शूट आउट एट लोखंड वाला का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्म शूट आउट एट लोखंड वाला में मेरा जो फट्टू वाला किरदार था वो इस डॉन बाबा किरदार से एकदम है। मुंबई सागर की शूटिंग और अपने को उनके साथ काम करने का अनुभव मेरा हमेशा ही शानदार रहता है दूसरा अगर मैं जॉन अब्राहम की बात करूं तो जॉन अपने काम को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है वो मस्ती के मोड में आ जाते हैं जॉन बड़े स्टार होकर भी कभी अपना स्टारडम नहीं दिखाते हैं आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि स्टार लॉकसेट सेट पर हमेशा लेट आते हैं लेकिन जॉन के साथ ऐसा नहीं है वो हमेशा सेट पर सबसे पहले आने वाले लोगों में रहे हैं मुंबई हड अवार्ड पर फिल्म बनाने का हेड फार्मूला बॉलीवुड में काफ़ी प्रचलित है फिल्म मेकर संजय गुप्ता भी इस विषय पर दो फिल्में बना चुके हैं और अब संजय गुप्ता लेकर आए हैं एक और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बेस्ट फिल्म मुंबई सागा जिसमें जॉन अब्राहम और इमरान हसमी लीड रोल में नजर आए हैं इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई मुंबई सागा दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब हो पाएगी या एक... या यह अपने प्रयास में भी फल होती है आइए समीक्षा करते हैं मुंबई सागर एक गैंगस्टर और एक पुलिस वाले के बीच की प्रतिद्वंदी की कहानी है अस्सी के दशक के मध्य में अमर अपने परिवार के साथ रहता है उसकी फैमिली में उसके पिता उसकी फैमिली में उसके पिता राजेंद्र गुप्ता भाई अर्जुन हर शर्मा और पत्नी सीमा या अग्रवाल शामिल हैं उनका परिवार सड़कों पर सब्जियाँ बेच रहा है उन्हें परेशान किया जाता है क्योंकि उन्हें यानी अमोल गुप्ते गुंडों को हफ्ता यानी रिश्वत देना पड़ता है एक दिन अर्जुन एक गुंडे के साथ बहस करता है और वो गुंडा अर्जुन को पुल से फेंक देता है आमर्त ने अब तक गैंगस्टरों के साथ नहीं जुड़ने का फैसला किया था लेकिन आमर्त अर्जुन को बजा लेता है अर्जुन के लिए चिंतित आमृता के लिए गाय के आदमियों के साथ मारपीट करता है और यहाँ तक कि उन गुंडों में से एक के हाथ भी काट देता है गैटुंडे जो जेल में बंद है और वहीं से अपनी गुंडागर्दी झाड़ता है पुलिस को अमृत को गिरफ्तार करने के लिए कहता है पुलिस को अमृत को गिरफ़्तार करने के लिए कहता है पुलिस अमृत को भी उसी जेल में डाल देती है गायटुंडे के गुर्गे जेल में आमृत पर हमला करते हैं फिर भी आमृत अकेले ही उनसे मुकाबला करता है और उन्हें हरा देता है गायटुंडे को फिर पता चलता है कि आमृत बहुत खतरनाक है अगले दिन आमृत को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है यह मुंबई के अनौपचारिक राजा भाव ने महेश मांजरेकर द्वारा हो पाया भाव साम्राज्य को ख़त्म करने का आफर देता है कुछ ही समय में आमर्थ व्यापार के गुरु सीख जाता है बौदादार और भैखला के बीच गाइटुंडे के इलाके में भी नापता है हार मानने के सिवाय गाइटुंडे के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कहानी फिर 12 साल आगे बढ़ती है अर्जुन प्रत्येक बब्बर अब खड़ा हो गया है और उसकी रक्षा के लिए आमर्थ उसे यूके भेज देता है इस बीच सुनील खेतान ने समीर सैनी जो एक उद्योगपति है और अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित एक मिल का मालिक है वह सभी मिल श्रमिकों को हटाना चाहता है वह मिल मालिकों को बेतखल करने के लिए कायटुंडे की मदद लेता है भाव अमर से कहता है कि वह सुनील खेतान को मिल बेचने से रोके जिससे उसे वोट मिल सके अमर्थ सुनील से मिलता है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है अमृत की प्रवृत्ति के बारे में सुनील काइटुंडे ने शिकायत करता है जो अभी कार्रवाई में गायटुंडे अर्जुन को मारने की कोशिश करता है अब अर्जुन मुंबई आया हुआ है लेकिन अर्जुन कैसे भी करके खुद को बचा लेता है गुस्से में आमर्त सुनील खतान को दिन के उजाले में ख़त्म कर देता है जिसके बाद सुनील की विधवा सुनाली यानी अंजना सुखान पुलिस मुख्यालय जाती है और घोषणा करती है कि वह अमृत को मारने वाले पुलिस को 10 करोड़ का इनाम देगी विजय सावरकर ने इमरान हसमी इस ऑफर में दिलचस्पी लेता है और निर्णय लेता है कि वह अमृत को मार डालेगा इसके बाद आगे क्या होता है या आगे की फिल्म देखने के बाद पता चलता है संजय गुप्ता की कहानी दिलचस्प और रोमांच और कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है इसके अलावा यह उन लोगों पर आधारित है जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे राबिन भट्ट और संजय गुप्ता की पटकथा प्रभावी है लेखक यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि मुख्य प्लाट पर ध्यान केंद्रित रहे और दर्शक एक सेकंड के लिए भी ओब न जाए इसलिए फिल्म की सही गति से आगे बढ़ती है कुछ सीन फिल्म में असाधारण हैं और अच्छे से सोचे गए हैं संजय गुप्ता के डायलॉग्स फिल्म के आकर्षण को बढ़ाते हैं कुछ वन लाइनर सिनेमाघरों में ताली बजाने के लिए निश्चित करते हैं संजय गुप्ता का निर्देशन सटेक है वह बहुत ही नाटकीय और मनोरंजक तरीके से कहानी को पेश करते हैं नतीजन फिल्म मेकर्स कई सारे को मंत्रमुग्ध कर देने वाले सीन देखने को मिलते हैं आमर्थ्य और सवारकर के किरदार विशेष रूप से, से मजबूत हैं और अच्छी तरह से फिल्माए गए हैं वह इनके विपरीत कुछ योग्य किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है संजय गुप्ता को सेकंड हाफ को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहिए था खासकर क्लाइमेक्स को सेकंड हाफ की लाइन भी एक मुद्दा है मुंबई सागर की शुरुआत काफी बेहतरीन होती है जिसमें कुछ दशक पहले मुंबई में राजनीतिक गैंगस्टर शार्ठ गांठ को दर्शाया गया है बिना समय बर्बाद किए फिल्म आगे बढ़ती है और यह बताया जाता है कि आखिर आमर्थ डान क्यों बन पाया वो सीन जहां आमर्थ ने रेलवे ब्रिज पर गार्डेंडो के आदमियों पर हमला किया अप्रतिषित रूप से शुरू होता है और इसे दर्शकों द्वारा सराहा जाएगा जेल वाला दूसरा सीन फिल्म के मजे को और बढ़ा देता है अमृत का उदय बहुत जल्दी होता है लेकिन शुक्र है कि फिल्म में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें दिलचस्पी बनी रहे सुनील खतान की हत्या का मामला हाई पॉइंट है इंटरमिशन दिलचस्प मोड़ पर आता है इंटरवल के बाद अमृत और सावरकर के बीच पीछा करने के सीन दर्शकों को शीर्ष से बांधे रखते हैं वही क्लाइमैक्स से ठीक पहले का ट्विस्ट भी हैरान कर देने वाला है हालांकि क्लाइमेक्स थोड़ा और बेहतर हो सकता था लेकिन कुल मिलाकर फिल्म देखने लायक है जोन अब्रह टॉप फॉर्म में हैं, वह हर लिहाज से एक फुखार गैंगेस्टर दिखते हैं एक्शन सीन में तो वह छा जाते हैं कई जगहों पर उन्हें अपनी डिम्पल वाली स्माइल को संक्षेप में दिखाया गया है और और इससे उनके किरदार का करिश्मा और बढ़ जाता है इमरान हाशमी की एंट्री देर से होती है इसलिए उनके फैंस इससे निराश हो सकते हैं लेकिन एक बार जब फिल्म में उनकी एंट्री हो जाती है तो फिल्म और बेहतर हो जाती है सिर्फ एक्शन से ही नहीं बल्कि वह अपने वन लाइनर्स के साथ भी फिल्म की लाइम बन जाते हैं पुलिस की वर्दी के साथ उनके ताली बजाने योग्य डायलॉग थिएटर में हंगामा कर देते हैं महेश मांकर चतुर राजनीति के रूम में बहुत जचते हैं अमोल गुप्ते शानदार हैं प्रतीक बबर थोड़ा हटकर दिखते हैं लेकिन अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी को सीमित स्क्रीन टाइम मिलता है राज के साथ भी ऐसा ही है गुलशन ग्रोवर स्टाइलिश दिखते हैं और अपने रोल में जचते हैं रोहित बोस राय अमृत के दाहिने हाथ के आदमी के रूप में ठीक हैं लेकिन सेकंड हाफ में उनका मकसद थोड़ा अटूट है समीर सोनी इस रंधावा विवाहन प्राथन और हर्ष शर्मा ठीक हैं सुनील शेट्टी एक कैमियो के रूप में अच्छे लगते हैं वह काफी स्टाइलिश दिखते हैं इस तरह की फिल्म में संगीत का स्कोप सीमित है शुक्र है कि फिल्म में केवल दो ही गाने हैं डंका बजा और थिरकने वाला है जबकि शोर मचेगा अच्छी तरह से फिल्माया गया गाना है लेकिन एक पीरियड फिल्म में यह अजीब लगता है अमर मोहल्ले का बैकग्राउंड स्कोर नाटकीय और रोमांचक है शिखर भटनागर की सिनेमाटोग्राफी शिकायत में रहित है प्रिया सुहास और सुनील न्यूवेकर का प्रोडक्शन डिजाइन और नादि शाह का ड्रेस आर्थिक है अम्बरीव के एक्शन फिल्म में हाई पॉइंट में एक है न्यूड क्रिस्ट का बीफेक्स कुछ स्थानों पर अच्छा है सेकंड हाफ में बंटी नेगी की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी कुल मिलाकर मुंबई सागा एक ऐसी फिल्म है जो बड़े पर्दे पर देखने लायक है शानदार सीन्स ताले बजाने योग्य डायलॉग अचानक आए ट्विट्स एंड टर्न जैसे कई तत्वों से भी सजी फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म दर्शक जुटाने में कामयाब होगी साथ ही वितरकों और प्रदर्शकों की खुशी का कारण बनेगी जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की फिल्म मुंबई सागा इन दिनों काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है फिल्म का ट्रेलर हो या आज रिलीज हुआ है फिल्म का गाना सुर मचेगा इसके दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है अब दर्शकों को इंतज़ार है तो सिर्फ इस फिल्म के रिलीज होने का जॉन अब्राहम इस फिल्म में एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं जो कि मशहूर गैंगस्टर अमृत राव और डी के राव की असल जिंदगी पर आधारित बनाया गया है काफ़ी लोग अमर राव के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे यह एक आम इंसान से मुंबई का नामी बन बैठा हालांकि जो नहीं जानते उनके लिए आज हम अपनी ये वीकेंड स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं इंटरनेट पर काफ़ी लोग यह जानने की कोशिश करने में लगे हैं कि आखिर अमर राव कौन था तो चलिए मुंबई के इस खूखार गैंगस्टर की कहानी जानते हैं मुंबई सागा फिल्म की कहानी 1980 और 1990 के दशक पर छिड़की गई है जब मुंबई की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अमृत राव का राज हुआ करता था अमृत का जन्म मुंबई की एक झुग्गी में स्थित चाल में हुआ था और उसने अपना पूरा जीवन मटुंगा में बिताया था अमृत्या राव भी चाल में रहने वाले एक आम इंसान की तरह ही था जब तक कि वह छोटा राजन से नहीं मिला था जी हाँ मुंबई का डांस छोटा राजन अमर्त राव छोटा राजन का सहयोगी हुआ करता था छोटा राजन के कहने पर अमृत राव ने कई बिजनेसमैन को मौत की नींद सुलाया था अमृत राव छोटा राजन की हर एक बात माना करता था छोटा राजन के इशारे पर एक के बाद एक कई खून करने के बाद वह कुछ समय में ही छोटा राजन का राइट हैंड बन गया था मुंबई के घातक अपराधियों में अमर्त राव का नाम लिस्ट में टॉप पर हुआ करता था हवाला नेटवर्क के जरिए वह जिस तरह से चोरी करता था उसके लिए वह काफ़ी मशहूर था उसकी टिकलमबाजी अच्छे अच्छे नहीं पता कर पाते थे और वह मान लेकर यूँ फुर हो जाता था कि मानो जैसे कोई चील अपना शिकार लेकर उड़ भागी हो अमृत राव के आतंक से मुंबई हमेशा परेशान रहती थी पुलिस ने एक बार अमृत राव के एनकाउंटर का प्लान बनाया पर वह इतना तेज था कि एनकाउंटर के बाद खुद को मुर्दा दिखाकर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला गैंगस्टर की किस्मत बहुत अच्छी निकली वह उस वक्त छोटा राजन से अलग होने के बाद अमृत राव ने अपना एक गंग बना लिया था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की रडार पर भी था दाऊद राव के खेल खत्म करना चाहता था जो कि मुंबई पुलिस नहीं कर पा रही थी राव को सात गोलियां लगी थी लेकिन वह फिर भी अपनी जान बचाकर भाग निकला था आमर्त करीब तीन बार पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुआ था हालांकि वह जानता था कि अगर वह बाहर रहेगा तो दाऊद उसे मौत की घाट उतरवा देगा इसलिए उसने जेल में जाने का फैसला किया वह काफ़ी समय तक जेल में रहा 2016 में वह बार बार आया लेकिन उसने फिर से वही सब काम करने शुरू कर दिए थे बारह अक्टूबर 2017 को एक बार फिर से उसकी गिरफ्तारी की गई हालांकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि जॉन अब्राहम की मुंबई सागा में राव के जीवन से जुड़ी घटनाओं और उनकी कहानी को बिल्कुल वैसे ही नहीं दर्शाया गया है जैसा कि असल जिंदगी में हुआ था कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी गैंगस्टर की कहानी से प्रेरित जरूर है लेकिन फिल्म पूरी तरह से उस पर आधारित नहीं है संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के अलावा काजल अग्रवाल भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे आमर्त राव यानी जॉन अब्राहम रेलवे स्टेशन पर सब्जी बेचता है मुंबई पर गैंगस्टर गायकोंडे यानी अमोल गुप्ते का राज है वह हफ्ता वसूली करता है आमर्त चुपचाप सब कुछ सहन करता है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आमृत का छोटा भाई हफ्ता देने से इनकार कर देता है ऐसे में आबाद गायकोंडे को बर्दाश्त नहीं होती है वह उसके भाई को अदमरा कर देते हैं अब आमर्थ राय तय करता है कि बदला चाहिए इसमें उसे भाव यानी महेश मांजरेकर का साथ मिलता है यहाँ एंट्री होती है विजय यानी इमरान हाशमी की वह इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है इसके बाद चोर पुलिस शुरू होता है वही घिसा पिटा फार्मूला बदले की आग में चल रहा भाई उसका खात्मा करने के लिए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बीच में नेता और राजनीति का टांडो कहानी में कुछ संवाद याद रह जाने योग्य है जैसे बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ डराने के लिए नाम ही काफ़ी है ऐसे कुछ संवाद हैं जो अच्छे हैं जब निर्देशक इतने सारे कलाकारों को फिल्म में शामिल कर उनके पास करने को कुछ नहीं रहता है तो बस स्क्रीन पर दिखाने के लिए उनको क्यों शामिल करते हैं सुनील शेट्टी प्रतीक बब्बर गुलशन ग्रोवर काजल अग्रवाल के अलावा और भी अन्य कलाकारों का कुछ खास काम नजर नहीं आया इसके अलावा पुराने ज़माने वाला एक्शन है जॉन का या एंग्री यंग मैन रूप पहले भी कई बार देख चुके हैं अब वह अंदाज उनका बोर करता है सब कुछ पुराने ज़माने की पिक्चर जैसा ही है बेवजह निर्देशक ने इसे बनाने की जहमत उठाई है जॉन के अभिनय में कोई नयापन नहीं है वह अपनी पिछली ए, ऐसी कई फिल्मों में हैंगओवर में ही नज़र आते हैं इमोशन दृश्यों में उनकी कमजोरी फौरन पकड़ में आ जाती है इमरान हाशमी के कारण या फिल्म देखी जा सकती है केवल अमोल गुप्ते का काम अच्छा है विशेष कलाकारों के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ भी नहीं है बॉलीवुड के जिन फिल्मकारों का बिलायती फिल्मों पर हाथ मारे बगैर काम नहीं चलता संजय गुप्ता उनमें से एक हैं उन्होंने यह सिलसिला बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म आतिश जो कि उन्नीस में आई थी से शुरू कर दिया था यह हॉलीवुड की टेस्ट आफ ग्रेस और हांगकांग की बेटर टिमोरों की काक टेली थी अमिताभ बच्चन की दीवार का भी थोड़ा तड़का लगाया गया था उनकी कांटे हांगकांग की सिटी ऑन फायर और हॉलीवुड की रेज वार का जोड़ अंतर थी कई बिलायती फ़िल्मों का देसी चरबा बनाने के बाद 2007 में उन्होंने पहली बार निर्माता की हैसियत से देसी कहानी पर शूट आउट एट लोखंड वाला बनाई जिसका निर्देशन अपूर्व लखिया से करवाया मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में 1991 में हुई गैंगस्टर और पुलिस की मुठभेड़ पर आधारित इस फिल्म के बाद वह शूट आउट एट वाडला जो कि 2013 में आई थी भी बना चुके हैं गैंगस्टर की खून खराबे वाली दुनिया पर जनाब इतने मोहित हैं कि अब मुंबई सागा लेकर आए हैं सिर्फ नाम अलग है बाकी फिल्म में वही घिसे पिटे मसाले हैं जो गैंगस्टर पर बन चुकी दर्जनों फिल्मों में दोहराए जा चुके हैं मुंबई सागा मुजरमों का महिमा बंडन करती है और उस पुलिस का उपहास उड़ाती है हकीकत में जिसने अंडरवर्ल्ड के भाव और भाइयों पर नकल कस रखी है काल्पनिक और सत्य का एक साथ मुंबई सागा की शुरुआत में हम फिल्म के सभी किरदार और घटनाएं काल्पनिक हैं की जानी पहचानी पट्टी दिखाई जाती है पहले ही पल दूसरी पट्टी आती है सत्य घटनाओं पर आधारित यह समझ में नहीं आया किसी फिल्म की घटनाएं एक साथ काल्पनिक और सत्य कैसे हो सकती पर छोड़ना चाहते हैं जिसकी जैसी भावना हो वैसा समझ ले फिल्म में हिंसा का आलम यह है कि पहले ही सीन में गैंगस्टर जॉन अब्राहम एक उद्योगपति यानी समीर सोनी को गोलियों से भून देते हैं यह उद्योगपति अपनी मिल बेचाने की तैयारी में था सियासत के भाव महेश मांजरेकर को फिक्र थी कि मिल बंद हो गई है तो उसके हजारों कामगारों के वोट उनके हाथ से फिसल जाएंगे भाव के सरों पर खून खराबे का मोर्चा जॉन अब्राहम ने संभाल रखा है एक दूसरे गैंगस्टर गायतोंडे यानी अमोल गुप्ते से जॉन अब्राहम की पुरानी रंजिश चल रही है पूरी फिल्म में अमोल गुप्ते आंखें निकाल निकाल कर खानलाइकी के त्यौहार दिखाने की कोशिश तो खूब करते हैं पर बात नहीं बनती वह सिंघम रिटर्न वाले अपने किरदार की परोड़ी करते लगते हैं रह रह कर चलती गोलियों और किसी न किसी के राम नाम सत्य के बीच देवानगित उद्योगपति की पत्नी यानी अंजना सुखानी पुलिस मुख्यालय में आकर ऐलान कर जाते हैं कि जो उनके पति के हत्यारे यानी जॉन अब्राहम के सिर में गोली उतारेगा दस करोड़ का इनाम पाएगा एंट्रोल से ठीक पहले इनाम के दावेदार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इमरान हाशमी की एंट्री होती है आगे जब जो होना है तब वो हो होता है कि तर्ज पर कहानी क्लाइमस तक का सफ़र पूरा करती है पेंटा इंडिया का पर्सन ऑफ द जॉन अब्राहम ने पिंजरों में पक्षियों को नहीं रखने के लिए किया था अनुरोध हर सीन में अगले सीन का अंदाज़ा मुंबई सागा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे पहले किसी फिल्म में नहीं देखा गया हो इस तरह की फिल्में पसंद करने वाले दर्शक भी इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हर सीन में वे अगले सीन का अंदाजा लगा लेते हैं कई बार एडवांस में तालियां भी बजा देते हैं इंटरवल तक मुंबई सागा तो ठीक ठाक पटकथा का सहारा मिला दूसरे भाग में पटकथा भी ढीली है और संजय गुप्ता की पकड़ उससे ज़्यादा ढीली हो गई अपनी फिल्मों में पीली रोशनी वाले लंबे लंबे सीन रखना उनकी पुरानी आदत है मुंबई सागा भी कई हिस्सों में पुली होकर किसी मरीज की तरह थकी थकी से लगती है भावनाओं पर जॉन का बस नहीं मारधाड़ में जॉन अब्राहम माहिर हैं लेकिन भावुक दृश्यों में जनाब उतने ही अनाड़ी लगते हैं इस फिल्म में अपने छोटे भाई प्रतीक बब्बर को कहीं के लिए रवाना करने से पहले जब वह मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा बोलते हैं तो यह छोटा सा जुमला उनकी अदाकारी की हद बता देता है काजल अग्रवाल को सिर्फ जॉन अब्राहम के आगे पीछे घूमना था उनके बदले कोई और हीरोइन होती तो इतना काम वह भी कर लेती सियासी दावपेश में माहिर भाव के किरदार में महेश मांजरेकर ठीक ठाक हैं इस तरह का किरदार वह इतनी फिल्मों में अदा कर चुके हैं कि उन्हें उन्हें कंतस्ट हो चुका है कि फिल्म में सुनील शेट्टी और गुलशन ग्रोवर भी बीच बीच में हाजिरी देते रहते हैं कान के पर्दे हिलाता है बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की फोटोग्राफी अच्छी है खासकर मुंबई की सड़कों पर भागते वाहनों के सीन सलीके से फिल्माए गए हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम पर कई हिस्सों में तीखा शोर शराबा है कि कान के पर्दे हिलने लगते हैं गाने सभी बेजान हैं जब भी पर्दे पर कोई गाना आता है लोग जरूरी काम निपटाने सिनेमाघर से बाहर चल देते हैं तो जो हनी सिंह ने खाम खा पर्दे पर आकर शोर मचे गाना पेश किया बेवजह का शोर तो पूरी फिल्म में मचा हुआ है दोस्तों देश की आर्थिक राजधानी का नाम भले ही बॉम्बे से बम्बई और अब मुंबई हो गया हो उसका चेहरा बदल गया हो लेकिन चाल और चरित्र अभी भी पहले जैसा ही है मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया के पास लावारिस स्पारियों में विस्फोटक मिलने के बाद एक बार फिर पुलिस अपराधियों नेताओं और उद्योगपतियों का नेक्शन सामने आया है और कभी अस्सी और नब्बे के दशक में दिखता है ऐसे ही कहानी को मुंबई सागा के जरिए निर्देशक संजय गुप्ता ने रू पहले पर्दे पर उतारा है यह कहानी है उस वक्त की जब मुंबई बॉम्बे थी शहर की सूरत बदल रही थी मिल बंद हो रहे थे माल खुल रहे थे अंडरवर्ल्ड के कई गैंग एक साथ शहर में पल रहे थे बढ़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे पुलिस संगठित अपराध को ख़त्म करने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे थे इनमें गैंगस्टर अमृत राव यानी जॉन अब्राहम है गुंडा गायतोंडे अमोल गुप्ते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस इंस्पेक्टर विजय सावरकर इमरान हाशमी हैं सफेद नेता भाव महेश मांजरेकर हैं बिजनेसमैन समीर सोनी हैं। पूरी फिल्म इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म मुंबई सागा में इमरान हाशमी पुलिस इंस्पेक्टर और जॉन अब्राहम गैंगस्टर की भूमिका में हैं फिल्म मुंबई सांगा में इमरान हाशमी जान अब्राहम गैंगस्टर के अलावा काजल अग्रवाल सुनील शेट्टी जैकी शराफ प्रतीक बब्बर गुलशन ग्रोवर अंजना सुखानी समीर सोनी रोहित राय और अमोल गुप्ते जैसे कलाकारों की भूमिका भी अहम है ये कलाकार गैंगस्टर पॉलिटिशियन और पुलिसकर्मियों के रोल में हैं शूट आउट ऐट लोखंडवाला और शूट आउट एट वाडला जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले संजय गुप्ता ने उस दौर के नेक्सस को फिल्म के जरिए पेश करने की पूरी कोशिश की है संजय एक बार फिर वही गैंगस्टर ड्रामा लेकर आए हैं जिसमें गैंगस्टर बनाम पुलिस का खेल है पकड़ती भुजाओ धड़कती टोलियों और बरसती गोलियों के बीच इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बॉम्बे की एक सब्जी मार्केट से जहां एक हफ्ता वसूली के चक्कर में गुंडे एक लड़के अर्जुन राव की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं अर्जुन के बड़े भाई अमृत राव को जैसे ही ये बात पता चलती है वो आग बबूला हो जाता है अपने इलाके में हफ्ता वसी बंद करने की कसम खाता है एक सीधा साधा इंसान हफ्ता वसूली बंद कराने के चक्कर में खुद एक गैंगस्टर बन जाता है उस दौर के बॉम्बे में गैंगस्टरों का बोलबाला था दुकानदारों से हफ्ता वसूली के दरस्य आम थे ऐसे में अमृत राव उनके खिलाफ खड़ा होता है अन्याय की इस लड़ाई में अपनी ताकत से खौफ का दूसरा नाम बन जाता है इसी बीच उसे मुरली शंकर यानी सुनील शेट्टी ड्रग डीलर नाली खान यानी कुलशन ग्रोवर और एक नेता भाव यानी माहेश मांजरेकर से आगे बढ़ने से मदद मिलती है यहाँ भाऊ का किरदार शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के जीवन से प्रेरित लगता है एक दिन भाव के कहने पर अमर्थ एक बिजनेसमैन समीर सोनी को गोली मार देता है उस बिजनेसमैन की पत्नी अंजना सुखानी अपने पति की हत्या करने वाले को पकड़ने के लिए दस करोड़ के इनाम का ऐलान कर देती है इसके बाद एंट्री होती है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस इंस्पेक्टर विजय सावरकर यानी इमरान हाशमी की जिसे मर्डर का एक केस सौंप दिया जाता है इसके बाद शुरू होता है पुलिस और गैंगस्टर के बीच चूहे बिल्ली का खेल पुलिस इंस्पेक्टर अपनी फोर्स के साथ मुंबई में स्थापित गुंडाराज को खत्म करने लगता है इसी बीच अमृत राव और विजय सावरकर की मुलाकात एक टैक्सी में होती है इसके आगे क्या होता है क्या विजय सावरकर गैंगस्टर अमृत राव को मार पाता है क्या भाव अमृत राव को बचा लेता है ये सब जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी वैसे बॉलीवुड के हल्क जॉन अब्राहम एक बार फिर फुल एक्शन अवतार में हैं जमकर मारधाड़ कर रहे हैं रही सही कसर डायलॉगबाजी पूरी कर रही है इंस्पेक्टर के रोल में इमरान गजब ढा रहे हैं फिल्म की कहानी नई बोतल में पुरानी शराब जैसी है लेकिन एक्शन और डायलॉग ऐसे हैं कि दर्शक पर्दे से नजर नहीं हटा पाएंगे अब टैक्सी ड्राइवर बनकर आमर्थ राव पुलिस इंस्पेक्टर विजय सार के पास जाता है तो कहता है बस हाथ मिला लीजिए साहब जिस दिन किस्मत ने आपका साथ दिया और आपने उस प्लेयर को मारा तब मैं बोल सकूँगा मैंने मौत से हाथ मिलाया था इसी तरह आमर्थ कहता है गायतोंडे आज से तेरा किस्सा ख़त्म और मेरी कहानी शुरू बंदूक को केवल शौक के लिए रखता हूँ डराने के लिए नाम ही काफ़ी है आमर्थ राव पुलिस इंस्पेक्टर को जब गैंगस्टर का केस दिया जाता है तो वह कहता है सवाल ये नहीं कि आमर्थ मरेगा सवाल यह है कि सौ करोड़ रुपये का मैं क्या करूँगा <laughs> कोरोना काल में घर बैठे बोर हो गए लोगों के लिए फिल्म मुंबई सागा एक अलग तरह का एक्सपीरियंस कराएगी जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के फैंस के लिए यह फिल्म है ही लेकिन एक्शन पसंद करने वालों को भी बहुत पसंद आएगी ऊपर से योयो यो हनी सिंह का गाना मनोरंजन में तड़का लगा देता है हाँ फिल्म की कहानी पुरानी है ऐसा लगेगा कि देखी देखी सी लग रही है लेकिन इसकी प्रशंसकता पुरानी नहीं है हाल में हुए इंटीलिया केस पर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दौर चाहे जो भी हो लेकिन कथा आज के मुंबई की ही है फिल्म औसत से अधिक अच्छी है मशहूर फिल्म समीक्षक तरल आदर्श ने फिल्म मुंबई सागा की तारीफ करते हुए लिखा है मुंबई सागा एक्शन फैक्ट फिल्म है जिसमें ज़बरदस्त डायलॉग हैं जॉन अब्राहम ने कमाल का, का काम किया है इमरान हाशमी ने धासु परफॉर्मेंस दी है महेश मांजरेकर और अमुल गुप्ते ने भी अच्छा काम किया है यह एक मास इंटरटेनर है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ धारदार है सेकेंड हाफ अच्छा है तरल आदर्श ने फिल्म को साढ़े स्टार रेटिंग दी है फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा लिखती हैं मुंबई सागा स्पष्ट रूप से सच्ची घटनाओं से प्रेरित है मुझे लगता है कि यह एक दमदार कहानी है जिसमें से लेकर तरीके से आप बताया गया है कि बम्बई से मुंबई बनने के दौरान इस शहर ने क्या खोया और क्या पाया हालांकि संजय गुप्ता इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं उनको तो अपराधियों का महिमामंडन करना है आप थिएटर में जाकर मुंबई सागा देख सकते हैं मास्क पहनना ना भूलें फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा लिखते हैं कुल मिलाकर मुंबई सागा जनता के लिए एक अच्छी मसाला फिल्म है लेकिन यह क्लास और फैमिली ऑडियंस के लिए सीमित अपील करती है फिल्म के शीर्षक में सागा शब्द खटकता है क्योंकि सागा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला अंग्रेजी शब्द नहीं है इसकी जगह कथा या कहानी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसा करना दर्शकों के लिए प्रशंसक होगा फिल्म पत्रकार पंकज शुक्ला का कहना है कि जॉन अब्राहम की फिल्म में इमरान हाशमी ने कमाल कर दिया है लेकिन संजय गुप्ता ने अपने लिए खतरे की घंटी बजा दी है वह लिखते हैं फिल्म मुंबई सागा उस खांचे का सिनेमा है जिसमें कभी धर्मेंद्र की जलचला हुकूमत लोहा जैसी फिल्में शामिल होती रही हैं कहानी कुछ नहीं है शोर ज़्यादा है कानों में रुई लगाने की नौबत आ सकती है बैकग्राउंड म्यूजिक भी शोर से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया है द ललन टाइप के श्वेतान शेखर लिखते हैं मुंबई सागा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फिल्म नहीं है मगर इसका थिएटर एक्सपीरियंस का मालिका है अगर आप मारकाट और बंदूकों को लय सेक्शन फिल्म देखने के शौकीन हैं तो जाइए सिनेमा देखिए अगर लंबे समय से किसी ढंग की फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप ये इंतज़ार इस फिल्म पर ख़त्म नहीं होता तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आपका यह इंतज़ार इस फिल्म पर ख़त्म नहीं होता मुंबई सागा संजय गुप्ता की पिछली फिल्मों से कुछ खास अलग नहीं है कांटे काबिल शूट आउट एट लोखंडवाला शूट आउट एट वाडला जैसी गैंगस्टर वाली एक्शन प्रधान डार्क और इंटेंस फिल्मों की खासियत रखने वाले संजय गुप्ता एक बार फिर मुंबई सागा में अपने पुराने अंदाज में दिखाई देते हैं मुंबई का अंडरवर्ल्ड और उसकी काली दुनिया गुप्ता का पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है यहाँ भी वह उसी एलिमेंट को भुनाते नज़र आते हैं मुंबई सागा राव जैसे सब्जी भाजी की दुकान लगाने वाले एक आम लड़के से गैंगस्टर बनने की कहानी है फिल्म में अस्सी के दशक का मुंबई है जहां पर गायतोंडे अपने गुंडों के जरिए जेल में बैठकर हफ्ता वसूली का धंधा चलाता है उसी सिलसिले में एक बार वह अब उसके गुंडे राव के छोटे भाई अर्जुन यानी प्रतीक बब्बर को जान से मारने की कोशिश करते हैं तब आमर्त बदला लेने के लिए हथियार उठा लेता है गैंगस्टर बनने की राह में आमर्त के सर पर हाथ रखता है मुंबई का किंग मेकर भाव यानी महेश मांजरेकर माफिया सत्ता राजनीति और दुश्मनी के इस सफर में गैंगस्टर के रूप में आमर्त का कद बढ़ता जाता है वह काजल अग्रवाल से शादी भी कर लेता है और अपने छोटे भाई अर्जुन को इस खूनी खेल से दूर रखने के लिए लंदन भेज देता है मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आमर्त मुंबई के जाने माने मिल मलिक खेतान समीर सोनी को सारे आम कत्ल कर देता है और वही से मुंबई की सत्ता पर काबिज रखने का आमर्त का गणित गड़बड़ा जाता है खेतान की पत्नी अंजना सुखानी अपने पति के कातिल को पकड़वाने के लिए उस पर दस करोड़ का इनाम रख देती है अब आमृत को गायतवन्डे जैसे कैया दुश्मन का सामना तो करना ही है साथ ही विजय सारवाकर जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के वार से भी बचना है गैंगस्टर और पुलिस की इस लुका छुपी में किसकी जीत होती है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी निर्देशक संजय गुप्ता चंजिंग और कत्ल के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य से फिल्म की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट हाफ तक धमाकेदार एक्शन और इमोशन से दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं अपनी फिल्म के किरदारों को उनके लुक एक्शन और डायलॉगबाजी से लार्जर देन लाइफ बनाना संजय गुप्ता की विशेषता रही है जिसका निर्वाह उन्होंने यहाँ भी बाखूबी किया है मगर दिक्कत तब आती है जब आप पहले भी कई बार देखी हुई कहानी को देखते हैं गुप्ता की कहानी में नएपन का अभाव है सेकेंड हाफ में तेजी से बदलते घटनाक्रम कहानी को उलझा देते हैं क्लाइमैक्स निर्देशक ने, ने अपनी पसंदीदा सेल में भी रखा है बंदूक से निकली गोली ना ईद देखती है और न होली मराठी को हो जो रोकेगा मराठी उसे ठोकेगा जैसे संवाद फ्रंट बेंचेस को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं फिल्म का लुक पूरी तरह से अस्सी का फील देता है संगीत की बात करें तो पायल देव के संगीत में देव नेगी का गाया डंका बजा कहानी को आगे ले जाता है मगर हनी सिंह की आवाज़ में शोर मचेगा अचानक आ जाता है एक्शन के हाहाकार दृश्यों के साथ जॉन अब्राहम बेरहम गैंगस्टर के किरदार में हर तरह से फिट बैठते हैं इमरान हाशमी की एंट्री फिल्म में लेट होती है मगर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसर के रूम में वे रंग जमा देते हैं जॉन और इमरान नहले पर दहला साबित हुए हैं महेश मांजरेकर किंग मेकर भाव के रूप में चाँचते हैं तोमल गुप्ते गायतुंडे के रोल में चौंकाते हैं काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी जैसी फीमेल कास्ट को स्क्रीन पर कुछ ज्यादा करने का मौका नहीं दिया है प्रत्येक बब्बर रोहित राय गुलशन ग्रोवर आदि अन्य कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं को न्याय दिया है सुनील शेट्टी मेहमान कलाकार के रूम में आते हैं अगर आप एक्शन के तगड़े डोज के शौकीन हैं और जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के फैंस हैं तो मुंबई सागा फिल्म जरूर देखें टाइम तो सबका आता है मेरा दौर आएगा ये डायलॉग जब सिनेमाघरों में सुनाई दिया तो पूरा थिएटर सीटियों से गूंज उठा एक्टर जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की मोस्ट अवंटेड फिल्म मुंबई सागा को फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था फिल्म में जॉन अब्राहम एक गैंगस्टर के किरदार के रूप में नजर आए हैं फिल्म में जॉन अब्राहम एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं जबकि इमरान हाशमी एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखाई दिए इन दोनों के बीच की लड़ाई और धमाकेदार एक्शन ही इस फिल्म का अहम हिस्सा है फिल्म में बाला साहेब ठाकरे से प्रेरित एक किरदार है भाव यानी महेश मांजरेकर जो अपनी सभा में कहते हैं कि मुंबा देवी का शहर है हमारी आई है तो आज से इस शहर का नाम होगा मुंबई फिल्म में संजय गुप्ता ने उस वक्त की कहानी को दिखाने का प्रयास किया है जब मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था और शहर में अंडरवर्ल्ड के कई गैंग चालू थे बॉम्बे पर गैंगस्टर गायटोंडे का, का राज था उसके आदमी आम दुकानदारों से आए दिन मनचाहा हफ्ता वसूली करते थे शहर भर में कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था एक दिन एक बारह साल के लड़के ने उनके जुलम के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन उसी वक्त गायटुंडे के आदमियों ने उसे मार मारकर अधमरा कर दिया अर्जुन के बड़े भाई अमृत राव यानी चौन अब्राहम को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चलता है तो उसके अंदर बदले की आग ऐसी उठी कि वो बिना सोचे समझे उसने अपराध की दुनिया में कूद गया अपने सबसे बड़े दुश्मन गायटुंडे को ख़त्म करना ही अमृत राव का लक्ष्य बन जाता है और इस कहा में उसका साथ देते हैं मुरली शंकर यानी सुनील शेट्टी ड्रग डीलर नारी खान यानी गुलशन ग्रोवर और किसानों का एक नेता भाव यानी महेश मांजरेकर आमर्थ राव अपने दोस्तों के साथ एक नया गैंग बनाता है और यहीं से वो पुलिस के रडार पर आ जाता है यहाँ एंट्री होती है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सरवाकर यानी इमरान हाशमी की फिल्म में आमर ऐलान करता है कि आज से कोई गुंडों को हफ्ता नहीं देगा वह अकेला पचास पचास गुंडों को बैठता है जेल जाकर भी गायटोंडे के नाक के नीचे से बस निकलता है वो इतना बड़ा अपराधी बन जाता है कि पुलिस को उस पर दस करोड़ रुपए का इनाम रखना पड़ता है जहन अब्राहम को हम पहले भी मुंबई के डॉन के रूम में देख चुके हैं फिल्म शूट आउट एट लोखंड वाला और मुंबई सागा की कहानी में कुछ नया नहीं है फिल्म का पीला हरा कलर टोन भी यह उनकी पुरानी एक्शन अपराध कथाओं जैसा है अपराधी नायकों का अंदाज़ हमेशा कितना स्टाइलिश है उनके डायलॉग और एक्शन ध्यान खींचते हैं ऐसे में अगर आप बगैर दिमाग खर्चा किए देखें तो मुंबई सागा पसंद आएगी फ़िल्म का पीला हरा कलर टोन भी यहाँ उनकी पुरानी एक्शन अपराध कथाओं जैसा है अपराधी नायकों का अंदाज़ हमेशा कितना स्टाइलिश है उनके डायलॉग और एक्शन ध्यान खींचते हैं ऐसे में अगर आप बगैर दिमाग खर्च किए देखें तो मुंबई सागा पसंद आएगी इमरान हाशमी लंबे समय बाद थोड़े बर्दाश्त करने लायक हैं वह यहाँ अपने कुछ कुछ खोए अंदाज़ में संवाद बोलते हैं और एक्शन दृश्यों में भी थोड़े रोमांटिक लगते हैं सुनील शेट्टी गुलशन ग्रोवर और प्रत्येक बब्बर समेत बाकी कलाकारों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इन्हें ज़बरदस्ती फिल्म में जोड़ा गया है फिल्म की कहानी अस्सी के दशक की है लेकिन फिल्म के गाने यो यो हनी सिंह ने गाए हैं जो कि बहुत ही मजाकिया लगता है लेकिन फिल्म के डायलाक से जरूर पसंद आते हैं पुरानी फिल्मों की तरह इस फिल्म के भी कुछ डायलॉग को दोस्तों के साथ दोहराया जा सकता है आइए जानते हैं मुंबई सागा फिल्म की कहानी अमर्त राव नाम का एक आदमी है जिसकी फैमिली सब्जी बेचने का काम करती है इन सब्जी वालों को गायटोंडे नाम के एक गुंडे को प्रोटेक्शन मनी बोले तो हफ्ता देना पड़ता है मगर एक हादसे के बाद अमृत गायटोंडे के गुंडों को पीट देता है मगर एक हादसे के बाद आमर्त गायटोंडे के गुंडों को पीट देता है फिल्म के शुरुआती 20-25 मिनट में अलग अलग लोकेशंस पर आमर्त सिर्फ गायटोंडे के गुंडों को पीटता रहता है इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कहानी में भाव की एंट्री होती है जो कि छत पर सेना के सर्वे सर्वा हैं बाल ठाकरे से प्रेरित यह किरदार आमर्थ को मुंबई का किंग बनाने की बात कहता है इसके लिए शर्त यह है कि आमर्थ को गार्टुंडे के रास्ते से हटाना होगा एंट्रोल से ठीक पहले गाटुंडे और आमर्थ की लड़ाई में एक नई एंट्री होती है एक पुलिस वाला जिसका नाम विजय सावरकर है विजय आमर्थ को मारने आया है इसके बाद ये फिल्म चूहे बिल्ली का खेल बनकर रह जाती है विजय आमर्थ को मारने की कोशिश करता है और आमर्थ उससे बचने की मगर ये सब होता है फुल स्वेग और स्लो मोशन में मुंबई सागा में जॉन अब्राहम ने आमर्त और इमरान हाशमी ने विजय का रोल किया है गायदोंडे का किरदार निभाया है अमोल गुप्ते और भाव के कैरेक्टर में दिखे हैं महेश मांजरेकर अच्छी बात यह है कि इन सभी कैरेक्टर को फिल्म ने ठीक ठाक समय दिया है जिसमें इन एक्टर्स ने मिलकर फिल्म को देखने लायक बना दिया है जॉन अब्राहम चीखते चिल्लाते गुंडों को पीट रहे हैं ये चीज़ उन पर शूट करते हैं इमरान ने एक ऐसे पुलिस वाले का रोल किया है जिसे देखकर लगता है कि वो हिंदी फिल्में बहुत देखता है इमरान ने इस कैरेक्टर में एक बियड ह्यूमर के साथ जो स्वर्ड ऐड किया है वो फिल्म को देखने का मजा बढ़ा देती है महेश मांजरेकर भी भाव के रोल में बढ़िया लगे हैं मगर मेरी राय में इस मुंबई शाखा में सबसे मज़ेदार काम है अमोल गुप्ते का गैडुंडे का किरदार एक खतरनाक गैंगस्टर का है जो थोड़ा सा क्रेजी है अमोल को देखकर लगता है कि यह आदमी स्क्रीन पर जो कर रहा है उसे फुल ऑन इंजॉय कर रहा है फिल्म में काजल अग्रवाल प्रत्येक बब्बर और अंजना सुखानी भी नज़र आई हैं प्रत्येक ने, ने आमर्त के छोटे भाई अर्जुन का किरदार किया है पूरी कहानी अर्जुन के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है मगर वो हीरो नहीं है काजल और अंजना को करने के लिए इस फिल्म में कुछ नहीं था मुंबई सागा संजय गुप्ता की पिछली फिल्मों से कुछ खास अलग नहीं है मगर उनकी पिछली फिल्में खूब देखी गई हैं कांटे और शूट आउट एट लोखंडवाला तो कल्ट स्टेटस प्राप्त हैं मुंबई सागा का एक कहकर प्रचार किया गया था कि यह बॉम्बे में मुंबई बनने की कहानी है मगर इसकी कहानी में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे खास है वो चीज़ कि इस कहानी को कैसे दिखाया गया है संजय गुप्ता के कैमरा एंगल्स कई मौक़ों पर बहुत आउट ओरियस होते हुए भी ठीक लगते हैं मतलब वो फिल्म में आपका इंटरेस्ट बनाए रखते हैं स्लो मोशन में चलता अपना हीरो मगर फिल्म का हीरो कौन है इसका चुनाव आप पर छोड़ दिया जाता है जैसे कि जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव चीज के रूप में देखा जाना चाहिए संजय गुप्ता की फिल्मों में गैंगस्टर बहुत स्व कैरी करते हैं मगर तौर पर ये चीज़ें दूसरी दिशा में चलती जाती हैं मगर आश्चार्यजनक रूप से ये फिल्म गैंगस्टर को ग्लोरीफाई नहीं करती पहले उन्हें बड़ा बनाती है और फिर घुटनों पर लाकर खड़ा कर देती है इस फिल्म को देखते हुए एक चीज़ बार बार खलती है वो है इसका कलर पैलेंट एक्चुअली में एक पीरियड फिल्म है इसे उस रंग में लड़ने के लिए पूरी फिल्म में ऊपर मानो पीली पन्नी बिछा दी गई है जो बहुत इरेंटिंग लगती है बेसिकली उस रंग का एक काम है कि वो आपको एहसास दिलाने की पूरी बात हो रही है मगर यहाँ ये यह चीज़ कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम से चली गई है फिल्म के जिन सीन्स में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी आमने सामने रहते हैं वो बिल्कुल थिएटर से सिटी और तालियों के हिसाब से लिखे गए हैं इन सीन को देखने में बहुत मज़ा आता है मगर बहुत कम मौक़ों पर एक्टर्स एक दूसरे के सामने पढ़ते हैं वहाँ पर थोड़ा सा लेट डाउन फील होता है मगर चलेगा दूसरी दिक्कत वाली बात यह है कि फिल्म में हनी सिंह के उस गाने को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कहीं से भी वो फ़िल्म में कुछ जोड़ नहीं रहा था फिल्म के डायलाग्स कम वर्ड प्ले ज़्यादा हैं शब्दों के हेर फेर के साथ ऐसी लाइनें बनाई गई हैं जिससे एक समय बाद मन उबने लगता है मुंबई सागा बहुत एक्स्ट्रा फिल्म नहीं है मगर उसका थिएटर एक्सपीरियंस कमाल का, का है मगर आप मार काट और बंदूक से लेस एक्शन फिल्म देखने के शौकीन हैं तो जाइए सिनेमा देखिए मगर लंबे समय से किसी ढंग की फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आपका इंतज़ार इस फिल्म का ख़त्म नहीं होता है साल 2021 की अब तक की सबसे बड़ी मल्टी स्टार फिल्म मुंबई सागा 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही थी फिल्म में जॉन अब्राहम इमरान हाशमी सुनील शेट्टी रोहित राय महेश मांजरेकर के अलावा काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी का भी अहम रोल है इस फिल्म में जॉन अब्राहम एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं जो एक रियल लाइफ गैंगस्टर की जिंदगी से प्रेरित है फिल्म मुंबई सागा में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए रोहित राय कहते हैं कि फिल्म में मैं एक बाबा नाम के डॉन का किरदार निभा रहा हूँ जो अमृत राव के बचपन का दोस्त है और दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं अमृत राव को लोग आमर भी कहते हैं और एक किरदार जो हम निभा रहे हैं बाबा और अमर की दोस्ती भाइयों से भी ज्यादा बढ़कर है रोहित राय ने अपनी फिल्म शूट आउट एट लोखंड वाला का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्म शूट आउट एट लोखंड वाला में मेरा जो फट्टू वाला किरदार था वो इस डान बाबा वाले किरदार से एकदम विपरीत है मुंबई सागर की शूटिंग और अपने को एक्टर्स के बारे में बात करते हुए रोहित कहते हैं कि मैं डायरेक्टर संजय गुप्ता को पिछले पंद्रह बीस सालों से जानता हूं और उनके साथ कई फिल्में भी कर चुका हूं। तो उनके साथ काम करने का अनुभव मेरा हमेशा ही शानदार रहता है दूसरा अगर मैं जॉन अब्राहम की बात करूं तो जॉन अपने काम को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं लेकिन जैसे ही काम ख़त्म होता है वो मस्ती के मोड में आ जाते हैं जॉन बड़े स्टार होकर भी कभी अपना स्टारडम नहीं दिखाते हैं आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि स्टार लोग सेट पर हमेशा लेट आते हैं लेकिन जॉन के साथ ऐसा नहीं है वो हमेशा सेट पर सबसे पहले आने वाले लोगों में रहे हैं मुंबई अडर पर फिल्म बनाने का हेट फार्मूला बॉलीवुड में काफ़ी प्रचलित है फिल्म मेकर संजय गुप्ता भी इस विषय पर दो फिल्में बना चुके हैं और अब संजय गुप्ता लेकर आए हैं एक और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बेस्ट फिल्म मुंबई सागा जिसमें जॉन अब्राहम और इमरान हसमी लीड रोल में नजर आए हैं इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई मुंबई सागा दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब हो पाएगी या एक... या यह अपने प्रयास में विफल होती है आइए समीक्षा करते हैं मुंबई से एक गैंगस्टर और एक पुलिस वाले के बीच की प्रतिद्वंदी की कहानी है अस्सी के दशक के मध्य में अमृत राव अपने परिवार के साथ रहता है उसकी फैमिली में उसके पिता उसकी फैमिली में उसके पिता राजेंद्र गुप्ता भाई अर्जुन हर शर्मा और पत्नी सीमाया निकाजल अग्रवाल शामिल हैं उनका परिवार सड़कों पर सब्जियां बेच रहा है उन्हें परेशान किया जाता है क्योंकि उन्हें गायटुंडे यानी अमोल गुप्ते गुंडों को हफ्ता यानी रिश्वत देना पड़ता है एक दिन अर्जुन एक गुंडे के साथ बहस करता है और वो गुंडा अर्जुन को पुल से फेंक देता है आमर्त ने अब तक गैंगस्टरों के साथ नहीं जुड़ने का फैसला किया था लेकिन आमर्त अर्जुन को बचा लेता है अर्जुन के लिए चिंतित आमृता के लिए गायटुंडे के आदमियों के साथ मारपीट करता है और यहाँ तक कि उन गुंडों में से एक के हाथ भी काट देता है गैटुंडे जो जेल में बंद है और वहीं से अपनी गुंडागर्दी छाड़ता है पुलिस को आमर्त को गिरफ्तार करने के लिए कहता है पुलिस को अमृत को गिरफ़्तार करने के लिए कहता है पुलिस आमृत को भी उसी जेल में डाल देती है गायटुंडे के गुर्गे जेल में आमृत पर हमला करते हैं फिर भी आमृत अकेले ही उनसे मुकाबला करता है और उन्हें हरा देता है गायटुंडे को फिर पता चलता है कि आमृत बहुत खतरनाक है अगले दिन आमृत को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है यह मुंबई के अनौपचारिक राजा भाव एन महेश मांजरेकर द्वारा हो पाया भाव साम्राज्य को खत्म करने का आफर देता है कुछ ही समय में आमर्थ व्यापार के गुरख जाता है मौदादार और भैखला के बीच गाइटुंडे के इलाके में भी नापता है हार मानने के सिवाय गाइटुंडे के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कहानी फिर 12 साल आगे बढ़ती है अर्जुन ने प्रत्येक बब्बर भर अब खड़ा हो गया है और उसकी रक्षा के लिए आमर्थ उसे यू के भेज देता है इस बीच सुनील ने समीर सैनी जो एक उद्योगपति है और अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित एक मिल का मालिक है वह सभी मिल श्रमिकों को हटाना चाहता है वह मिल मालकों को बेतकल करने के लिए गायटुंडे की मदद लेता है भाऊ अमर से कहता है कि वह सुनील खेतान को मिल बेचने से रोके जिससे उसे वोट मिल सके अमर्थ सुनील से मिलता है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है अमृत की प्रवृत्ति के बारे में सुनील गायटुंडे ने शिकायत करता है जो अभी कार्रवाई में गायटुंडे अर्जुन को मारने की कोशिश करता है अब अर्जुन मुंबई आया हुआ है लेकिन अर्जुन कैसे भी करके खुद को बचा लेता है गुस्से में आमर्त सुनील खतान को दिन के उजाले में खत्म कर देता है जिसके बाद सुनील की विधवा सुनाली यानी अंजना सुखान पुलिस मुख्यालय जाती है और घोषणा करती है कि वह अमृत को मारने वाले पुलिस को 10 करोड़ का इनाम देगी विजय सावरकर ने इमरान हसमी इस ऑफर में दिलचस्पी लेता है और निर्णय लेता है कि वह अमृत को मार डालेगा इसके बाद आगे क्या होता है यह आगे की फिल्म देखने के बाद पता चलता है संजय गुप्ता की कहानी दिलचस्प और रोमांच और कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है इसके अलावा यह उन लोगों पर आधारित है जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे राबिन भट्ट और संजय गुप्ता की पटकथा प्रभावी है लेखक यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि मुख्य प्लाट पर ध्यान केंद्रित रहे और दर्शक एक सेकेंड के लिए भी ओब न जाए इसलिए फिल्म की सही गश से आगे बढ़ती है कुछ सीन फिल्म में असाधारण हैं और अच्छे से सोचे गए हैं संजय गुप्ता के डायलॉग्स फिल्म के आकर्षण को बढ़ाते हैं कुछ मॉल लाइनर सिनेमाघरों में ताली बजाने के लिए निश्चित करते हैं संजय गुप्ता का निर्देशन सटेक है वह बहुत ही नाटकीय और मनोरंजक तरीके से कहानी को पेश करते हैं नतीजन फिल्म मेकर्स कई सारे को मंत्रमुग्ध कर देने वाले सीन देखने को मिलते हैं आमर्थ और सवारकर के किरदार विशेष रूप से, से मजबूत हैं और अच्छी तरह से फिल्माए गए हैं वह इनके विपरीत कुछ योग्य किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है संजय गुप्ता को सेकंड हाफ को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहिए था खासकर क्लाइमेक्स को सेकेंड हाफ की लाइन भी एक मुद्दा है मुंबई सागा की शुरुआत काफी बेहतरीन होती है जिसमें कुछ दशक पहले मुंबई में राजनीतिक गैंगस्टर शार्थ गांध को दर्शाया गया है बिना समय बर्बाद किए फिल्म आगे बढ़ती है और यह बताया जाता है कि आखिर आमर्थ डान क्यों बन पाया वो सीन जहां आमर्थ ने रेलवे ब्रिज पर गार्डेंडो के आदमियों पर हमला किया अप्रतिषित रूप से शुरू होता है और इसे दर्शकों द्वारा सराहा जाएगा जेल वाला दूसरा सीन फिल्म के मजे को और बढ़ा देता है अमृत का उदय बहुत जल्दी होता है लेकिन शुक्र है कि फिल्म में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें दिलचस्पी बनी रहे सुनील खेतान की हत्या का मामला हाई पॉइंट है इंटरमिशन दिलचस्प मोड़ पर आता है इंटरवल के बाद अमृत और सावरकर के बीच पीछा करने के सीन दर्शकों को शीर्ष से बांधे रखते हैं वही क्लाइमैक्स से ठीक पहले का ट्विस्ट भी हैरान कर देने वाला है हालांकि क्लाइमेक्स थोड़ा और बेहतर हो सकता था लेकिन कुल मिलाकर फिल्म देखने लायक है जोन अब्राहम टॉप फॉम में हैं वह हर लिहाज से एक खुखार गंगस्टर दिखते हैं एक्शन सीन में तो वह छा जाते हैं कई जगहों पर उन्हें अपनी डिम्पल वाली स्माइल को संक्षेप में दिखाया गया है और इससे उनके किरदार करिश्मा और बढ़ जाता है इमरान हाशमी की एंट्री देर से होती है इसलिए उनके फैंस इससे निराश हो सकते हैं लेकिन एक बार जब फिल्म में उनकी एंट्री हो जाती है तो फिल्म और बेहतर हो जाती है सिर्फ एक्शन से ही नहीं बल्कि वह अपने वन लाइनर्स के साथ भी फिल्म की लाइम बन जाते हैं पुलिस की वर्दी के साथ उनके ताली बजाने योग्य डायलॉग थिएटर में हंगामा कर देते हैं महेश मांजरेकर चतुर राजनीति के रूप में बहुत जिस्ते हैं अमोल गुप्ते शानदार हैं प्रतीक बपर थोड़ा हटकर दिखते हैं लेकिन अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी को सीमित स्क्रीन टाइम मिलता है इत राज के साथ भी ऐसा ही है गुलशन ग्रोवर स्टाइलिश दिखते हैं और अपने रोल में जचते हैं रोहित बोस राय आमृत के दाहिने हाथ के आदमी के रूप में ठीक हैं लेकिन सेकंड हाफ में उनका मकसद थोड़ा अटूट है समीर सोनी साध रंधावा विवाहन प्रार्थन और हर्ष शर्मा ठीक हैं सुनील शेट्टी एक कैमियो के रूप में अच्छे लगते हैं व काफ़ी स्टाइलिश दिखते हैं इस तरह की फिल्म में संगीत का स्कोप सीमित है शुक्र है कि फिल्म में केवल दो ही गाने हैं डंका बजा और थिरकने वाला है जबकि शोर मचेगा अच्छी तरह से फिल्माया गया गाना है लेकिन एक पीरियड फिल्म में यह अजीब लगता है अमर मोहल्ले का बैकग्राउंड स्कोर नाटकीय और रोमांचक है शिखर भटनागर की सिनेमाटोग्राफी शिकायत में रहित है प्रिया सुहास और सुनील न्यूवेकर का प्रोडक्शन डिजाइन और नादि शाह का ड्रेस आर्थिक है अम्बरीव के एक्शन फिल्म में हाई पॉइंट में एक है न्यूट क्रिस्ट का बीफेक्स कुछ स्थानों पर अच्छा है सेकेंड हाफ में बंटी नेगी की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी कुल मिलाकर मुंबई सागा एक ऐसी फिल्म है जो बड़े पर्दे पर देखने लायक है शानदार सीन्स ताली बजाने योग्य डायलॉग अचानक आए ट्विस्ट एंड टर्न जैसे कई तत्वों से भी सजी फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म दर्शक जुटाने में कामयाब होगी साथ ही वितरकों और प्रदर्शकों की खुशी का कारण बनेगी जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की फिल्म मुंबई सागा इन दिनों काफ़ी सुर्खियावट बटोर रही है फिल्म का ट्रेलर हो या आज रिलीज हुआ है फिल्म का गाना सुर मचेगा इसके दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है अब दर्शकों को इंतज़ार है तो सिर्फ़ इस फिल्म के रिलीज होने का जॉन अब्राहम इस फिल्म में एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं जो कि मशहूर गैंगस्टर अमृत राव और डी के राव की असल जिंदगी पर आधारित बनाया गया है काफ़ी लोग अमृत राव के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे यह एक आम इंसान से मुंबई का नाम डॉन बन बैठा हालांकि जो नहीं जानते उनके लिए आज हम अपनी ये वीकेंड स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं इंटरनेट पर काफ़ी लोग यह जानने की कोशिश करने में लगे हैं कि आखिर अमर्त राव कौन था तो चलिए मुंबई के इस खूखार गैंगस्टर की कहानी जानते हैं मुंबई सागा फिल्म की कहानी 1980 और 1990 के दशक पर चिटकी गई है जब मुंबई की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अमृत राव का राज हुआ करता था अमृत का जन्म मुंबई की एक झुग्गी में स्थित चाल में हुआ था और उसने अपना पूरा जीवन मटुंगा में बिताया था अमृत्या राव भी चाल में रहने वाले एक आम इंसान की तरह ही था जब तक कि वह छोटा राजन से नहीं मिला था जी हाँ मुंबई का डान छोटा राजन अमृत राव छोटा राजन का सहयोगी हुआ करता था छोटा राजन के कहने पर अमृत राव ने कई बिजनेसमैन को मौत की नींद सुलाया था अमृत राव छोटा राजन की हर एक बात माना करता था छोटा राजन के इशारे पर एक के बाद एक कई खून करने के बाद वह कुछ समय में ही छोटा राजन का राइट हैंड बन गया था मुंबई के घातक अपराधियों में अमर्त राव का नाम लिस्ट में टॉप पर हुआ करता था हवाला नेटवर्क के जरिए वह जिस तरह से चोरी करता था उसके लिए वह काफ़ी मशहूर था उसकी टिकड़मबाजी अच्छे अच्छे नहीं पता कर पाते थे और वह मान लेकर यूँ फुर हो जाता था कि मानो जैसे कोई चील अपना शिकार लेकर उड़ भागी हो अमृत राव के आतंक से मुंबई हमेशा परेशान रहती थी पुलिस ने एक बार अमृत राव के एनकाउंटर का प्लान बनाया पर वह इतना तेज था कि एनकाउंटर के बाद खुद को मुर्दा दिखाकर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला गैंगस्टर की किस्मत बहुत अच्छी निकली वह उस वक्त छोटा राजन से अलग होने के बाद अमृत राव ने अपना एक गंग बना लिया था अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की रडार पर भी था दाऊद राव के खेल ख़त्म करना चाहता था जो कि मुंबई पुलिस नहीं कर पा रही थी राव को सात गोलियां लगी थी लेकिन वह फिर भी अपनी जान बचाकर भाग निकला था आमर्त करीब तीन बार पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुआ था हालांकि वह जानता था कि अगर वह बाहर रहेगा तो दाऊद उसे मौत की घाट उतरवा देगा इसलिए उसने जेल में जाने का फैसला किया वह काफी समय तक जेल में रहा 2016 में वह बार बार आया लेकिन उसने फिर से वही सब काम करने शुरू कर दिए थे बारह अक्टूबर 2017 को एक बार फिर से उसकी गिरफ्तारी की गई हालांकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि जॉन अब्राहम की मुंबई सागा में अमृतराव के जीवन से जुड़ी घटनाओं और उनकी कहानी को बिल्कुल वैसे ही नहीं दर्शाया गया है जैसा कि असल जिंदगी में हुआ था कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी गैंगस्टर की कहानी से प्रेरित जरूर है लेकिन फिल्म पूरी तरह से उस पर आधारित नहीं है संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के अलावा काजल अग्रवाल भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे अमर्त अब्राहम रेलवे स्टेशन पर सब्जी बेचता है मुंबई पर गैंगस्टर गायकोंडे यानी अमोल गुप्ते का राज है वह हफ्ता वसूली करता है आमर्त चुपचाप सब कुछ सहन करता है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आमर्थ का छोटा भाई हफ्ता देने से इनकार कर देता है ऐसे में आबाद गायकोंडे को बर्दाश्त नहीं होती है वह उसके भाई को अदमना कर देते हैं अब अमर्थ राय तय करता है कि बदला चाहिए इसमें उसे भाव यानी महेश मांजरेकर का साथ मिलता है यहाँ एंट्री होती है विजय यानी इमरान हाशमी की वह इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है इसके बाद चोर पुलिस शुरू होता है वही घिसा पिटा फार्मूला बदले की आग में चल रहा भाई उसका खात्मा करने के लिए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बीच में नेता और राजनीति का टांडो कहानी में कुछ संवाद याद रह जाने योग्य है जैसे बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ डराने के लिए नाम ही काफी है ऐसे कुछ संवाद हैं जो अच्छे हैं जब निर्देशक इतने सारे कलाकारों को फिल्म में शामिल कर उनके पास करने को कुछ नहीं रहता है तो बस स्क्रीन पर दिखाने के लिए उनको क्यों शामिल करते हैं सुनील शेट्टी प्रतीक बब्बर गुलशन ग्रोवर काजल अग्रवाल के अलावा और भी अन्य कलाकारों का कुछ खास काम नजर नहीं आया इसके अलावा पुराने ज़माने वाला एक्शन है जॉन का या एंग्री यंग मैन रूप पहले भी कई बार देख चुके हैं अब वह अंदाज उनका बोर करता है सब कुछ पुराने ज़माने की पिक्चर जैसा ही है बेवजह निर्देशक ने इसे बनाने की जहमत उठाई है जॉन के अभिनय में कोई नयापन नहीं है वह अपनी पिछली ए, ऐसी कई फिल्मों में हैंगओवर में ही नज़र आते हैं इमोशन दृश्यों में उनकी कमजोरी फौरन पकड़ में आ जाती है इमरान हाशमी के कारण या फिल्म देखी जा सकती है केवल अमोल गुप्ते का काम अच्छा है विशेष कलाकारों के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ भी नहीं है बॉलीवुड के जिन फिल्मकारों का बिलायती फिल्मों पर हाथ मारे बगैर काम नहीं चलता संजय गुप्ता उनमें से एक हैं उन्होंने यह सिलसिला बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म आतिश जो कि उन्नीस में आई थी से शुरू कर दिया था यह हॉलीवुड की टेस्ट ऑफ ग्रेस और हांगकांग की बेटर टिमारो की काक टेली थी अमिताभ बच्चन की दीवार का भी थोड़ा तड़का लगाया गया था उनकी कांटे हांगकांग की सिटी ऑन फायर और हॉलीवुड की रेज डाक्स का जोड़ अंतर थी कई बिलायती फिल्मों का देसी चरबा बनाने के बाद 2007 में उन्होंने पहली बार निर्माता की हैसियत से देसी कहानी पर शूट आउट एट लोखंड वाला बनाई जिसका निर्देशन अपूर्व लखिया से करवाया मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में 1991 में हुई गैंगस्टर और पुलिस की मुठभेड़ पर आधारित इस फिल्म के बाद वह शूट आउट ऐट वाडला जो कि 2013 में आई थी भी बना चुके हैं गैंगस्टर की खून खराबे वाली दुनिया पर जनाब इतने मोहित हैं कि अब मुंबई सागा लेकर आए हैं सिर्फ नाम अलग है बाकी फिल्म में वही घिसे पिटे मसाले हैं जो गैंगस्टर पर बन चुकी दर्जनों फिल्मों में दोहराए जा चुके हैं मुंबई सागा मुजरमों का महिमा बंडन करती है और उस पुलिस का उपहास उड़ाती है हकीकत में जिसने अंडरवर्ल्ड के भाव और भाइयों पर नकल कस रखी है काल्पनिक और सत्य का एक साथ मुंबई सागा की शुरुआत में हम फिल्म के सभी किरदार और घटनाएं काल्पनिक हैं की जानी पहचानी पट्टी दिखाई जाती है पहले ही पल दूसरी पट्टी आती है सत्य घटनाओं पर आधारित यह मजरा समझ में नहीं आया किसी फिल्म की घटनाएं एक साथ काल्पनिक और सत्य कैसे हो सकती साथ फैसला पर छोड़ना चाहते हैं जिसकी जैसी भावना हो वैसा समझ ले फिल्म में हिंसा का आलम यह है कि पहले ही सीन में गैंगस्टर जॉन अब्राहम एक उद्योगपति यानी समीर सोनी को गोलियों से भून देते हैं यह उद्योगपति अपनी मिल बेचाने की तैयारी में था सियासत के भाव महेश मांजरेकर को फिक्र थी कि मिल बंद हो गई है तो उसके हजारों कामगारों के वोट उनके हाथ से फिसल जाएंगे भाव के सरों पर खून खराबे का मोर्चा जॉन अब्राहम ने संभाल रखा है एक दूसरे गैंगस्टर गायतोंडे यानी अमोल गुप्ते से जॉन अब्राहम की पुरानी रंजिश चल रही है पूरी फिल्म में अमोल गुप्ते आंखें निकाल निकाल कर खान लायकी के त्यौर दिखाने की कोशिश तो खूब करते हैं पर बात नहीं बनती वह सिंघम रिटर्न वाले अपने किरदार की परोड़ी करते लगते हैं रह रहकर चलती गोलियों और किसी न किसी के राम नाम सत्य के बीच देवंगित उद्योगपति की पत्नी यानी अंजना सुखानी पुलिस मुख्यालय में आकर ऐलान कर जाते हैं कि जो उनके पति के हत्यारे यानी जॉन अब्राहम के सिर में गोली उतारेगा दस करोड़ का इनाम पाएगा एंट्रोल से ठीक पहले इनाम के दावेदार इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इमरान हाशमी की एंट्री होती है आगे जब जो होना है तब वो हो होता है कि तर्ज पर कहानी क्लाइमेक्स तक का सफ़र पूरा करती है पिंटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर जॉन अब्राहम ने पिंजरों में पक्षियों को नहीं रखने के लिए किया था अनुरोध हर सीन में अगले सीन का अंदाज़ा मुंबई सागा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे पहले किसी फिल्म में नहीं देखा गया हो इस तरह की फिल्में पसंद करने वाले दर्शक भी इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हर सीन में वह अगले सीन का अंदाजा लगा लेते हैं कई बार एडवांस में तालियां भी बजा देते हैं इंटरवल तक मुंबई सागा तो ठीक ठाक पटकथा का सहारा मिला दूसरे भाग में पटकथा भी ढीली है और संजय गुप्ता की पकड़ उससे ज़्यादा ढीली हो गई अपनी फिल्मों में पीली रोशनी वाले लंबे लंबे सीन रखना उनकी पुरानी आदत है मुंबई सागा भी कई हिस्सों में पिल्ली होकर किसी मरीज की तरह थकी थकी सी लगती है भावनाओं पर जान का बस नहीं मारधाड़ में जॉन अब्राहम माहिर हैं लेकिन भावुक दृश्यों में जनाब उतने ही अनाड़ी लगते हैं इस फिल्म में अपने छोटे भाई प्रतीक बब्बर को कहीं के लिए रवाना करने से पहले जब वह मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा बोलते हैं तो यह छोटा सा जुर्मला उनकी अदाकारी की हद बता देता है काजल अग्रवाल को सिर्फ जॉन अब्राहम के आगे पीछे घूमना था उनके बदले कोई और हीरोइन होती तो इतना काम वह भी कर लेती सियासी दावपेश में माहिर भाव के किरदार में महेश मांजरेकर ठीक ठाक हैं इस तरह का किरदार वह इतनी फिल्मों में अदा कर चुके हैं कि उन्हें उन्हें कंटेस्ट हो चुका है कि फिल्म में सुनील शेट्टी और गुलशन ग्रोवर भी बीच बीच में हाजिरी देते रहते हैं कान के पर्दे हिलाता है बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की फोटोग्राफी अच्छी है खासकर मुंबई की सड़कों पर भागते वाहनों के सीन सलीके से फिल्माए गए हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम पर कई हिस्सों में तीखा शोर शराबा है कि कान के पर्दे हिलने लगते हैं गाने सभी बेजान हैं जब भी पर्दे पर कोई गाना आता है लोग जरूरी काम निपटाने सिनेमाघर से बाहर चल देते हैं जो हनी सिंह ने खाम खा पर्दे पर आकर शोर मचे गाना पेश किया बेवजह का शोर तो पूरी फिल्म में मचा हुआ है दोस्तों देश की आर्थिक राजधानी का नाम भले ही बॉम्बे से बम्बई और अब मुंबई हो गया हो उसका चेहरा बदल गया हो लेकिन चाल और चरित्र अभी भी पहले जैसा ही है मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया के पास लावारिस स्पारियों में विस्फोटक मिलने के बाद एक बार फिर पुलिस अपराधियों नेताओं और उद्योगपतियों का नेक्शन सामने आया है और कभी 80 और 90 के दशक में दिखता है ऐसे ही कहानी को मुंबई सागा के जरिए निर्देशक संजय गुप्ता ने रू पहले पर्दे पर उतारा है यह कहानी है उस वक्त की जब मुंबई बॉम्बे थी शहर की सूरत बदल रही थी मिल बंद हो रहे थे माल खुल रहे थे अंडरवर्ल्ड के कई गैंग एक साथ शहर में पल रहे थे बढ़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे पुलिस संगठित अपराध को ख़त्म करने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे थे इनमें गैंगस्टर अमृत राव यानी जॉन अब्राहम है गुंडा गायतोंडे अमोल गुप्ते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस इंस्पेक्टर विजय सावरकर इमरान हासमी हैं सफ़ेद नेता भाव महेश मांजरेकर हैं बिजनेसमैन समीर सोनी हैं पूरी फिल्म इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म मुंबई सागा में इमरान हाशमी पुलिस इंस्पेक्टर और जॉन अब्राहम गैंगस्टर की भूमिका में हैं फिल्म मुंबई सांगा में इमरान हाशमी जॉन अब्राहम, गैंगस्टर के अलावा काजल अग्रवाल सुनील शेट्टी जय की प्रतीक बब्बर गुलशन ग्रोवर अंजना सुखानी समीर सोनी रोहित राय और अमोल गुप्ते जैसे कलाकारों की भूमिका भी अहम है ये कलाकार गैंगस्टर पॉलिटिशियन और पुलिसकर्मियों के रोल में हैं शूट आउट ऐट लोखंडवाला और शूट आउट एट वाडला जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले संजय गुप्ता ने उस दौर के नेक्सस को फिल्म के जरिए पेश करने की पूरी कोशिश की है संजय एक बार फिर वही गैंगस्टर ड्रामा लेकर आए हैं जिसमें गैंगस्टर बनाम पुलिस का खेल है पकड़ती भुजाओ धड़कती टोलियों और बरसती गोलियों के बीच इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बॉम्बे की एक सब्जी मार्केट से जहां एक हफ्ता वसूली के चक्कर में गुंडे एक लड़के अर्जुन राव की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं अर्जुन के बड़े भाई अमृत राव को जैसे ही ये बात पता चलती है वो आग बबूला हो जाता है अपने इलाके में हफ्ता वसीली बंद करने की कसम खाता है एक सीधा साधा इंसान हफ्ता वसूली बंद कराने के चक्कर में खुद एक गैंगस्टर बन जाता है उस दौर के बॉम्बे में गैंगस्टरों का बोलबाला था दुकानदारों से हफ्ता वसूली के दरस से आम थे ऐसे में अमृत राव उनके खिलाफ खड़ा होता है अन्याय की इस लड़ाई में अपनी ताकत से खौफ का दूसरा नाम बन जाता है इसी बीच उसे मुरली शंकर यानी सुनील शेट्टी ड्रग डीलर नाली खान यानी कुलशन ग्रोवर और एक नेता भाव यानी माहेश मांजरेकर से आगे बढ़ने से मदद मिलती है यह भाव का किरदार शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के जीवन से प्रेरित लगता है एक दिन भाव के कहने पर अमरत एक बिजनेसमैन समीर सोनी को गोली मार देता है उस बिजनेसमैन की पत्नी अंजना सुखानी अपने पति की हत्या करने वाले को पकड़ने के लिए दस करोड़ के इनाम का ऐलान कर देती है इसके बाद एंट्री होती है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस इंस्पेक्टर विजय सावरकर यानी इमरान हसमी की जिसे मर्डर का एक केस सौंप दिया जाता है इसके बाद शुरू होता है पुलिस और गैंगस्टर के बीच चूहे बिल्ली का खेल पुलिस इंस्पेक्टर अपनी फोर्स के साथ मुंबई में स्थापित गुंडाराज को ख़त्म करने लगता है इसी बीच राव और विजय सावरकर की मुलाकात एक टैक्सी में होती है इसके आगे क्या होता है क्या विजय सावरकर गैंगस्टर अमृत राव को मार पाता है क्या भाव भाऊ राव को बचा लेता है ये सब जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी वैसे बॉलीवुड के हल्क जान अब्राहम एक बार फिर फुल एक्शन अवतार में हैं जमकर मारधाड़ कर रहे हैं रही सही कसर बाजी पूरी कर रही है इंस्पेक्टर के रोल में इमरान गजब ढा रहे हैं फिल्म की कहानी नई बोतल में पुरानी शराब जैसी है लेकिन एक्शन और डायलॉग ऐसे हैं कि दर्शक पर्दे से नजर नहीं हटा पाएंगे अब टैक्सी ड्राइवर बनकर आमर्थ राव पुलिस इंस्पेक्टर विजय सार के पास जाता है तो कहता है बस हाथ मिला लीजिए साहब जिस दिन किस्मत ने आपका साथ दिया और आपने उस प्लेयर को मारा तब मैं बोल सकूँगा मैंने मौत से हाथ मिलाया था इसी तरह आमर्त कहता है गायतोंडे आज से तेरा किस्सा ख़त्म और मेरी कहानी शुरू बंदूक को केवल शौक के लिए रखता हूँ डराने के लिए नाम ही काफ़ी है आमर्थ राव पुलिस इंस्पेक्टर को जब गैंगस्टर का केस दिया जाता है तो वह कहता है सवाल ये नहीं कि आमर्त मरेगा सवाल यह है कि सौ करोड़ रुपए का मैं क्या करूँगा <laughs> कोरोना काल में घर बैठे बोर हो गए लोगों के लिए फिल्म मुंबई सागा एक अलग तरह का एक्सपीरियंस कराएगी जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के फैंस के लिए यह फिल्म है ही लेकिन एक्शन पसंद करने वालों को भी बहुत पसंद आएगी ऊपर से यू यू हनी सिंह का गाना मनोरंजन में तड़का लगा देता है हाँ फिल्म की कहानी पुरानी है ऐसा लगेगा कि देखी देखी सी लग रही है लेकिन इसकी प्रशंसिकता पुरानी नहीं है हाल में हुए इंटीलिया केस पर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दौर चाहे जो भी हो लेकिन कथा आज के मुंबई की ही है फिल्म औसत से अधिक अच्छी है मशहूर फिल्म समीक्षक तरल आदर्श ने फिल्म मुंबई सागा की तारीफ करते हुए लिखा है मुंबई सागा एक्शन फैक्ट फिल्म है जिसमें ज़बरदस्त डायलॉग हैं जॉन अब्राहम ने कमाल का, का काम किया है इमरान हाशमी ने धासु परफॉर्मेंस दी है महेश मांजरेकर और अमल गुप्ते ने भी अच्छा काम किया है यह एक मास इंटरटेनर है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ धारदार है सेकेंड हाफ अच्छा है तरल आदर्श ने फिल्म को साढ़े तीन स्टार रेटिंग दी है फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा लिखती हैं मुंबई सागा स्पष्ट रूप से सच्ची घटनाओं से प्रेरित है मुझे लगता है कि यह एक दमदार कहानी है जिसमें से लेकर तरीके से आप बताया गया है कि बम्बई से मुंबई बनने के दौरान इस शहर ने क्या खोया और क्या पाया हालांकि संजय गुप्ता इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं उनको तो अपराधियों का महिमामंडन करना है आप थिएटर में जाकर मुंबई सागा देख सकते हैं मास्क पहनना ना भूलें फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा लिखते हैं कुल मिलाकर मुंबई सागा जनता के लिए एक अच्छी मसाला फिल्म है लेकिन यह क्लास और फैमिली ऑडियंस के लिए सीमित अपील करती है फिल्म के शीर्षक में सागा शब्द खटकता है क्योंकि सागा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला अंग्रेजी शब्द नहीं है इसकी जगह कथा या कहानी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसा करना दर्शकों के लिए प्रशंसक होगा फिल्म पत्रकार पंकज शुक्ला का कहना है कि जॉन अब्राहम की फ़िल्म में इमरान हाशमी ने कमाल कर दिया है लेकिन संजय गुप्ता ने अपने लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है वह लिखते हैं फिल्म मुंबई सागा उस खांचे का सिनेमा है जिसमें कभी धर्मेंद्र की जलचला हुकूमत लोहा जैसी फिल्में शामिल होती रही हैं कहानी कुछ नहीं है शोर ज़्यादा है कानों में रुई लगाने की नौबत आ सकती है बैकग्राउंड म्यूजिक भी शोर से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया है द ललन टाइप के श्वेतान शेखर लिखते हैं मुंबई सागा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फिल्म नहीं है मगर इसका थिएटर एक्सपीरियंस का मालिका है अगर आप मारकाट और बंदूकों को लय सेक्शन फिल्म देखने के शौकीन हैं तो जाइए सिनेमा देखिए अगर लंबे समय से किसी ढंग की फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप ये इंतज़ार इस फिल्म पर ख़त्म नहीं होता तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आपका यह इंतज़ार इस फिल्म पर ख़त्म नहीं होता मुंबई सागा संजय गुप्ता की पिछली फिल्मों से कुछ खास अलग नहीं है कांटे काबिल शूट आउट एट लोखंडवाला शूट आउट एट वाडला जैसी गैंगस्टर वाली एक्शन प्रधान डार्क और इंटेंस फिल्मों की खासियत रखने वाले संजय गुप्ता एक बार फिर मुंबई सागा में अपने पुराने अंदाज में दिखाई देते हैं मुंबई का अंडरवर्ल्ड और उसकी काली दुनिया गुप्ता का पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है यहाँ भी वह उसी एलिमेंट को भुनाते नज़र आते हैं मुंबई सागा आमर्त राव जैसे सब्जी भाजी की दुकान लगाने वाले एक आम लड़के से गैंगस्टर बनने की कहानी है फिल्म में अस्सी के दशक का मुंबई है जहां पर गायतोंडे अपने गुंडों के जरिए जेल में बैठकर हफ्ता वसूली का धंधा चलाता है उसी सिलसिले में एक बार वह अब उसके गुंडे आमर्त राव के छोटे भाई अर्जुन यानी प्रतीक बब्बर को जान से मारने की कोशिश करते हैं तब आमर्त बदला लेने के लिए हथियार उठा लेता है गैंगस्टर बनने की राह में आमर्थ के सर पर हाथ रखता है मुंबई का किंग मेकर भाव यानी महेश मांजरेकर माफिया सत्ता राजनीति और दुश्मनी के इस सफर में गैंगस्टर के रूप में आमर्थ का कद बढ़ता जाता है वह काजल अग्रवाल से शादी भी कर लेता है और अपने छोटे भाई अर्जुन को इस खूनी खेल से दूर रखने के लिए लंदन भेज देता है मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आमर्त मुंबई के जाने माने मिल मलिक खतान ने समीर सोनी को सारे आम कतल कर देता है और वही से मुंबई की सत्ता पर काबिज रखने का आमर्त का गणित गड़बड़ा जाता है खैतान की पत्नी अंजना सुखानी अपने पति के कातिल को पकड़वाने के लिए उस पर दस करोड़ का इनाम रख देती है अब अमर्थ को गायतोंडे जैसे कैया दुश्मन का सामना तो करना ही है साथ ही विजय सारवाकर जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के वार से भी बचना है गैंगस्टर और पुलिस की इस लुका छुपी में किसकी जीत होती है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी निर्देशक संजय गुप्ता चेंजिंग और कत्ल के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य से फिल्म की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट हाफ तक धमाकेदार एक्शन और इमोशन से दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं अपनी फिल्म के किरदारों को उनके लुक एक्शन और डायलॉगबाजी से लार्जर देन लाइफ बनाना संजय गुप्ता की विशेषता रही है जिसका निर्वाह उन्होंने यहाँ भी बाखूबी किया है मगर दिक्कत तब आती है जब आप पहले भी कई बार देखी हुई कहानी को देखते हैं गुप्ता की कहानी में नएपन का अभाव है सेकेंड हाफ में तेजी से बदलते घटनाक्रम कहानी को उलझा देते हैं क्लाइमैक्स निर्देशक ने, ने अपनी पसंदीदा सेल में भी रखा है बंदूक से निकली गोली ना ईद देखती है और ना होली मराठी को हो जो रोकेगा मराठी उसे ठोकेगा जैसे संवाद फ्रंट बेंचेस को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं फिल्म का लुक पूरी तरह से अस्सी का फील देता है संगीत की बात करें तो पायल देव के संगीत में देव नेगी का गाया डंका बजा कहानी को आगे ले जाता है मगर हनी सिंह की आवाज़ में शोर मचेगा अचानक आ जाता है एक्शन के हाहाकारी दृश्यों के साथ जॉन अब्राहम बेरहम गैंगस्टर के किरदार में हर तरह से फिट बैठते हैं इमरान हाशमी की एंट्री फिल्म में लेट होती है मगर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसर के रूम में वे रंग जमा देते हैं जॉन और इमरान नहले पर दहला साबित हुए हैं महेश मांजरेकर किंग मेकर भाव के रूप में चांचते हैं तोमल गुप्ते गायतुंडे के रोल में चौंकाते हैं काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी जैसी फीमेल कास्ट को स्क्रीन पर कुछ ज्यादा करने का मौका नहीं दिया है प्रतीक बब्बर रोहित राय गुलशसन ग्रोवर आदि अन्य कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं को न्याय दिया है सुनील शेट्टी मेहमान कलाकार के रूम में आते हैं अगर आप एक्शन के तगले डोज के शौकीन हैं और जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के फैंस हैं तो मुंबई सागा फिल्म जरूर देखें टाइम तो सबका आता है मेरा दौर आएगा ये डायलॉग जब सिनेमाघरों में सुनाई दिया तो पूरा थिएटर सीटियों से गूंज उठा एक्टर जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की मोस्ट अवंटेड फिल्म मुंबई सागा को फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था फिल्म में जॉन अब्राहम एक गैंगस्टर के किरदार के रूप में नजर आए हैं फिल्म में जॉन अब्राहम एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं जबकि इमरान हाशमी एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखाई दे इन दोनों के बीच की लड़ाई और धमाकेदार एक्शन ही इस फिल्म का अहम हिस्सा है फिल्म में बाला साहेब ठाकरे से प्रेरित एक किरदार है भाऊ यानी महेश मांजरेकर जो अपनी सभा में कहते हैं कि मुंबा देवी का शहर है हमारी आई है तो आज से इस शहर का नाम होगा मुंबई फिल्म में संजय गुप्ता ने उस वक्त की कहानी को दिखाने का प्रयास किया है जब मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था और शहर में अंडरवर्ल्ड के कई गैंग चालू थे बॉम्बे पर गैंगस्टर गायटोंडे का राज था उसके आदमी आम दुकानदारों से आए दिन मनचाहा हफ्ता वसूली करते थे शहर भर में कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था एक दिन एक बारह साल के लड़के ने उनके जुलम के खिलाफ आवाज़ उठाई लेकिन उसी वक्त गायटुंडे के आदमियों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया अर्जुन के बड़े भाई अमृत राव यानी जॉन अब्राहम को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चलता है तो उसके अंदर बदले की आग ऐसी उठी कि वह बिना सोचे समझे उसने अपराध की दुनिया में कूद गया अपने सबसे बड़े दुश्मन गायटोंडे को ख़त्म करना ही अमृत राव का लक्ष्य बन जाता है और इस कहा में उसका साथ देते हैं मुरली शंकर यानी सुनील शेट्टी ड्रग डीलर नारी खान यानी गुलशन ग्रोवर और किसानों का एक नेता भाव यानी महेश मांजरेकर आमर्त राव अपने दोस्तों के साथ एक नया गैंग बनाता है और यहीं से वो पुलिस के रडार पर आ जाता है यहाँ एंट्री होती है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सरवाकर यानी इमरान हाशमी की फिल्म में अमर ऐलान करता है कि आज से कोई गुंडों को हफ्ता नहीं देगा वह अकेला पचास पचास गुंडों को बैठता है जेल जाकर भी गायटोंडे के नाक के नीचे से बच निकलता है वो इतना बड़ा अपराधी बन जाता है कि पुलिस को उस पर दस करोड़ रुपये का इनाम रखना पड़ता है जहन अब्राहम को हम पहले भी मुंबई के डॉन के रूप में देख चुके हैं फिल्म शूट आउट एट लोखंड वाला और मुंबई सागा की कहानी में कुछ नया नहीं है फिल्म का पीला हरा कलर टोन भी यहाँ उनकी पुरानी एक्शन अपराध कथाओं जैसा है अपराधी नायकों का अंदाज हमेशा कितना स्टाइलिश है उनके डायलॉग और एक्शन ध्यान खींचते हैं ऐसे में अगर आप बगैर दिमाग खर्चा किए देखें तो मुंबई सागा पसंद आएगी फ़िल्म का पीला हरा कलर टोन भी यहाँ उनकी पुरानी एक्शन अपराध कथाओं जैसा है अपराधी नायकों का अंदाज हमेशा की तरह स्टाइलिश है उनके डायलॉग और एक्शन ध्यान खींचते हैं ऐसे में अगर आप बगैर दिमाग खर्च किए देखें तो मुंबई सागा पसंद आएगी इमरान हाशमी लंबे समय बाद थोड़े बर्दाश्त करने लायक हैं वह यहाँ अपने कुछ कुछ खोए अंदाज में संवाद बोलते हैं और एक्शन दृश्यों में भी थोड़े रोमांटिक लगते हैं सुनील शेट्टी गुलशन ग्रोवर और प्रत्येक बब्बर समेत बाकी कलाकारों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इन्हें ज़बरदस्ती फिल्म में जोड़ा गया है फिल्म की कहानी अस्सी के दशक की है लेकिन फिल्म के गाने योयो यो हनी सिंह ने गाए हैं जो कि बहुत ही मजाकिया लगता है लेकिन फिल्म के डायलॉग्स जरूर पसंद आते हैं पुरानी फिल्मों की तरह इस फिल्म के भी कुछ डायलॉग को दोस्तों के साथ दोहराया जा सकता है आइए जानते हैं मुंबई सागा फिल्म की कहानी आमर्थ राव नाम का एक आदमी है जिसकी फैमिली सब्जी बेचने का काम करती है इन सब्जी वालों को गायटोंडे नाम के एक गुंडे को प्रोटेक्शन मनी बोले तो हफ्ता देना पड़ता है मगर एक हादसे के बाद आमर्त गायटोंडे के गुंडों को पीट देता है मगर एक हादसे के बाद आमर्थ गायटोंडे के गुंडों को पीट देता है फिल्म के शुरुआती 20-25 मिनट में अलग अलग लोकेशंस पर आमर्थ सिर्फ गायटोंडे के गुंडों को पीटता रहता है इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कहानी में भाव की एंट्री होती है जो कि छत पर सेना के सर्वे सर्वा हैं बाल ठाकरे से प्रेरित यह किरदार आमृत को मुंबई का किंग बनाने की बात कहता है इसके लिए शर्त यह है कि आमृत को गायटुंडे के रास्ते से हटाना होगा इंट्रोल से ठीक पहले गायटुंडे और आमर्थ की लड़ाई में एक नई एंट्री होती है एक पुलिस वाला जिसका नाम विजय सावरकर है विजय आमर्थ को मारने आया है इसके बाद ये फिल्म चूहे बिल्ली का खेल बनकर रह जाती है विजय आमर्त को मारने की कोशिश करता है और आमर्त उससे बचने की मगर ये सब होता है फुल स्वैग और स्लो मोशन में मुंबई सागा में जॉन अब्राहम ने आमर्त और इमरान हाशमी ने विजय का रोल किया है गायदोंडे का किरदार निभाया है अमोल गुप्ते और भाव के कैरेक्टर में दिखे हैं महेश मांजरेकर अच्छी बात यह है कि इन सभी कैरेक्टर को फिल्म ने ठीक ठाक समय दिया है जिसमें इन एक्टर्स ने मिलकर फिल्म को देखने लायक बना दिया है जॉन अब्राहम चीखते चिल्लाते गुंडों को पीट रहे हैं ये चीज़ उन पर शूट करते हैं इमरान ने एक ऐसे पुलिस वाले का रोल किया है जिसे देख लगता है कि वो हिंदी फिल्में बहुत देखता है इमरान ने इस कैरेक्टर में एक बियड ह्यूमर के साथ जो स्वर्ड ऐड किया है वो फिल्म को देखने का मजा बढ़ा देती है महेश मांजरेकर भी भाव के रोल में बढ़िया लगे हैं मगर मेरी राय में इस मुंबई सागा में सबसे मज़ेदार काम है अमोल गुप्ते का गयुंडे का किरदार एक खतरनाक गैंगस्टर का है जो थोड़ा सा क्रेजी है अमोल को देखकर लगता है कि ये आदमी स्क्रीन पर जो कर रहा है उसे फुल ऑन इंजॉय कर रहा है फिल्म में काजल अग्रवाल प्रतीक बब्बर और अंजना सुखानी भी नज़र आई हैं प्रतीक ने आमर्त्य के छोटे भाई अर्जुन का किरदार किया है पूरी कहानी अर्जुन के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है मगर वो हीरो नहीं है काजल और अंजना को करने के लिए इस फिल्म में कुछ नहीं था मुंबई सागा संजय गुप्ता की पिछली फिल्मों से कुछ खास अलग नहीं है मगर उनकी पिछली फिल्में खूब देखी गई हैं कांटे और शूट आउट एट लोखंडवाला तो कल्ट स्टेटस प्राप्त हैं मुंबई सागा का यह कहकर प्रचार किया गया था कि यह बॉम्बे में मुंबई बनने की कहानी है मगर इसकी कहानी में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे खास है वो चीज़ कि इस कहानी को कैसे दिखाया गया है संजय गुप्ता के कैमरा एंगल्स कई मौक़ों पर बहुत आउट ओरियस होते हुए भी ठीक लगते हैं मतलब वो फिल्म में आपका इंटरेस्ट बनाए रखते हैं स्लो मोशन में चलता अपना हीरो मगर फिल्म का हीरो कौन है इसका चुनाव आप पर छोड़ दिया जाता है जैसे कि जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव चीज़ के रूम में देखा जाना चाहिए संजय गुप्ता की फिल्मों में गैंगस्टर बहुत स्वय कैरी करते हैं मगर तौर पर ये चीज़ें दूसरी दिशा में चलती जाती हैं मगर आश्चर्यजनक रूप से फिल्म गैंगस्टर को ग्लोरीफाई नहीं करती पहले उन्हें बड़ा बनाती है और फिर घुटनों पर ला कर खड़ा कर देती है इस फिल्म को देखते हुए एक चीज़ बार बार खलती है वो है इसका कलर पैलेंट एक्चुअली में एक पीरियड फिल्म है इसे उस रंग में लड़ने के लिए पूरी फिल्म में ऊपर मानो पीली पन्नी बिछा दी गई है जो बहुत इरटिंग लगती है बेसिकली उस रंग का एक काम है कि वो आपको एहसास दिलाने की पूरी बात हो रही है मगर यहाँ ये यह चीज़ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रीम से चली गई है फिल्म के जिन सीन्स में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी आमने सामने रहते हैं वो बिल्कुल थिएटर से सिटी और तालियों के हिसाब से लिखे गए हैं इन सीन को देखने में बहुत मज़ा आता है मगर बहुत कम मौक़ों पर एक्टर्स एक दूसरे के सामने पढ़ते हैं वहाँ पर थोड़ा सा लेट डाउन फील होता है मगर चलेगा दूसरी दिक्कत वाली बात यह है कि फिल्म में हनी सिंह के उस गाने को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कहीं से भी वो फ़िल्म में कुछ जोड़ नहीं रहा था फिल्म के डायलाग्स कम वर्ड प्ले ज़्यादा हैं शब्दों के हेर फेर के साथ ऐसी लाइनें बनाई गई हैं जिससे एक समय बाद मन उबने लगता है मुंबई सागा बहुत एक्स्ट्रा फिल्म नहीं है मगर उसका थिएटर एक्सपीरियंस कमाल का है मगर आप मार काट और बंदूक से लैस एक्शन फिल्म देखने के शौकीन हैं तो जाइए सिनेमा देखिए मगर लंबे समय से किसी ढंग की फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आपका इंतज़ार इस फिल्म का ख़त्म नहीं होता है साल 2021 की अब तक की सबसे बड़ी मल्टी स्टार फिल्म मुंबई सागा 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही थी फिल्म में जॉन अब्राहम इमरान हाशमी सुनील शेट्टी रोहित राय महेश मांजरेकर के अलावा काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी का भी अहम रोल है इस फिल्म में जॉन अब्राहम एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं जो एक रियल लाइफ गैंगस्टर की जिंदगी से प्रेरित है फिल्म मुंबई सागा में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए रोहित राय कहते हैं कि फिल्म में मैं एक बाबा नाम के डॉन का किरदार निभा रहा हूँ जो अमृत राव के बचपन का दोस्त है और दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं अमृत राव को लोग अमर भी कहते हैं और एक किरदार जॉन अब्राहम निभा रहे हैं बाबा और अमर की दोस्ती भाइयों से भी ज़्यादा बढ़कर है रोहित राय ने अपनी फिल्म शूट आउट एट लोखंड वाला का जिक्र करते हुए कहा ये फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में मेरा जो फट्टू वाला किरदार था वो इस डान बाबा वाले किरदार से एकदम विपरीत है मुंबई सागर की शूटिंग और अपने को एक्टर्स के बारे में बात करते हुए रोहित कहते हैं कि मैं डायरेक्टर संजय गुप्ता को पिछले पंद्रह बीस सालों से जानता हूं और उनके साथ कई फिल्में भी कर चुका हूं। तो उनके साथ काम करने का अनुभव मेरा हमेशा ही शानदार रहता है दूसरा अगर मैं जॉन अब्राहम की बात करूँ तो जॉन अपने काम को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है वो मस्ती के मोड में आ जाते हैं जॉन बड़े स्टार होकर भी कभी अपना स्टारडम नहीं दिखाते हैं आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि स्टार लोग सेट पर हमेशा लेट आते हैं लेकिन जॉन के साथ ऐसा नहीं है वो हमेशा सेट पर सबसे पहले आने वाले लोगों में रहे हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड पर फिल्म बनाने का हेड फार्मूला बॉलीवुड में काफ़ी प्रचलित है फिल्म मेकर संजय गुप्ता भी इस विषय पर दो फिल्में बना चुके हैं और अब संजय गुप्ता लेकर आए हैं एक और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बेस्ट फिल्म मुंबई सागा जिसमें जॉन अब्राहम और इमरान हसमी लीड रोल में नजर आए हैं इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई मुंबई सागा दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब हो पाएगी या एक... या यह अपने प्रयास में विफल होती है आइए समीक्षा करते हैं मुंबई सागा एक गैंगस्टर और एक पुलिस वाले के बीच की प्रतिद्वंदी की कहानी है अस्सी के दशक के मध्य में अमर ताव अपने परिवार के साथ रहता है उसकी फैमिली में उसके पिता उसकी फैमिली में उसके पिता राजेंद्र गुप्ता भाई अर्जुन हर शर्मा और पत्नी सीमा या निकाजल अग्रवाल शामिल हैं उनका परिवार सड़कों पर सब्जियां बेच रहा है उन्हें परेशान किया जाता है क्योंकि उन्हें गायटुंडे यानी अमोल गुप्ते गुंडों को हफ्ता यानी रिश्वत देना पड़ता है एक दिन अर्जुन एक गुंडे के साथ बहस करता है और वो गुंडा अर्जुन को पुल से फेंक देता है आमर्त ने अब तक गैंगस्टरों के साथ नहीं जुड़ने का फैसला किया था लेकिन आमर्त अर्जुन को बचा लेता है अर्जुन के लिए चिंतित आमर्ता के लिए के आदमियों के साथ मारपीट करता है और यहाँ तक कि उन गुंडों में से एक के हाथ भी काट देता है गैटुंडे जो जेल में बंद है और वहीं से अपनी गुंडागर्दी झाड़ता है पुलिस को आमर्थ को गिरफ्तार करने के लिए कहता है पुलिस को अमृत को गिरफ्तार करने के लिए कहता है पुलिस अमृत को भी उसी जेल में डाल देती है गायटुंडे के गुर्गे जेल में आमृत पर हमला करते हैं फिर भी आमृत अकेले ही उनसे मुकाबला करता है और उन्हें हरा देता है गायटुंडे को फिर पता चलता है कि आमृत बहुत खतरनाक है अगले दिन आमृत को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है यह मुंबई के अनौपचारिक राजा भाव एन महेश मांजरेकर द्वारा हो पाया भाव साम्राज्य को खत्म करने का आफर देता है कुछ ही समय में आमर्थ व्यापार के सीख जाता है मौदादर और भैखला के बीच गाइटुंडे के इलाके में भी नापता है हार मानने के सिवा गाइटुंडे के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कहानी फिर बारह साल आगे बढ़ती है अर्जुन ने प्रत्येक बब अब खड़ा हो गया है और उसकी रक्षा के लिए आमर्थ उसे यू के भेज देता है इस बीच सुनील खेतानी समीर सैनी जो एक उद्योगपति है और अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित एक मिल का मालिक है वह सभी मिल श्रमिकों को हटाना चाहता है वह मिल मालकों को बेतकल करने के लिए गाइटुंडे की मदद लेता है भाव अमर से कहता है कि वह सुनील खेतान को मिल बेचने से रोके जिससे उसे वोट मिल सके अमर्थ सुनील से मिलता है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है अमृत की प्रवृत्ति के बारे में सुनील गाइटुंडे ने शिकायत करता है जो अभी कार्रवाई में गाइटुंडे अर्जुन को मारने की कोशिश करता है अब अर्जुन मुंबई आया हुआ है लेकिन अर्जुन कैसे कर भी करके खुद को बचा लेता है गुस्से में आमर्त सुनील खेतान को दिन के उजाले में खत्म कर देता है जिसके बाद सुनील की विधवा सुनाली यानी अंजना सुखान पुलिस मुख्यालय जाती है और घोषणा करती है कि वह आमृत को मारने वाले पुलिस को 10 करोड़ का इनाम देगी विजय सावरकर ने इमरान हसमी इस ऑफर में दिलचस्पी लेता है और निर्णय लेता है कि वह अमृत को मार डालेगा इसके बाद आगे क्या होता है या आगे की फिल्म देखने के बाद पता चलता है संजय गुप्ता की कहानी दिलचस्प और रोमांच और कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है इसके अलावा यह उन लोगों पर आधारित है जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे राबिन भट्ट और संजय गुप्ता की पटकथा प्रभावी है लेखक यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि मुख्य प्लाट पर ध्यान केंद्रित रहे और दर्शक एक सेकंड के लिए भी ओब न जाए इसलिए फिल्म की सही गति से आगे बढ़ती है कुछ सीन फिल्म में असाधारण हैं और अच्छे से सोचे गए हैं संजय गुप्ता के डायलॉग्स फिल्म के आकर्षण को बढ़ाते हैं कुछ वन लाइनर सिनेमाघरों में ताली बजाने के लिए निश्चित करते हैं संजय गुप्ता का निर्देशन सटेक है वह बहुत ही नाटकीय और मनोरंजक तरीके से कहानी को पेश करते हैं नतीजन फिल्म मेकर्स कई सारे को मंत्रमुग्ध कर देने वाले सीन देखने को मिलते हैं आमर्थ्य और सवारकर के किरदार विशेष रूप से मजबूत हैं और अच्छी तरह से फिल्माए गए हैं वही इनके विपरीत कुछ योग्य किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है संजय गुप्ता को सेकंड हाफ को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहिए था खासकर क्लाइमेक्स को सेकंड हाफ की लाइन भी एक मुद्दा है मुंबई सागा की शुरुआत काफी बेहतरीन होती है जिसमें कुछ दशक पहले मुंबई में राजनीतिक गैंगस्टर शार्ट घाट को दर्शाया गया है बिना समय बर्बाद के फिल्म आगे बढ़ती है और यह बताया जाता है कि आखिर आमर्थ डान क्यों बन पाया वो सीन जहां आमर्थ ने रेलवे ब्रिज पर गार्डों के आदमियों पर हमला किया अप्रतिष्ठित रूप से शुरू होता है और इसे दर्शकों द्वारा सराहा जाएगा जेल वाला दूसरा सीन फिल्म के मजे को और बढ़ा देता है अमृत का उदय बहुत जल्दी होता है लेकिन शुक्र है कि फिल्म में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें दिलचस्पी बनी रहे सुनील खेतान की हत्या का मामला हाई पॉइंट है इंटरमिशन दिलचस्प मोड़ पर आता है इंटरवल के बाद अमृत और सावरकर के बीच पीछा करने के सीन दर्शकों को शीर्ष से बांधे रखते हैं वही क्लाइमैक्स से ठीक पहले का ट्विस्ट भी हैरान कर देने वाला है हालांकि क्लाइमेक्स थोड़ा और बेहतर हो सकता था लेकिन कुल मिलाकर फिल्म देखने लायक है जो हम टॉप फॉर्म में हैं वह हर लिहाज से एक बुखार गैंगस्टर दिखते हैं एक्शन सीन में तो वह छा जाते हैं कई जगहों पर उन्हें अपनी डिम्पल वाली स्माइल को संक्षेप में दिखाया गया है और और इससे उनके किरदार का करिश्मा और बढ़ जाता है इमरान हाशमी की एंट्री देर से होती है इसलिए उनके फैंस इससे निराश हो सकते हैं लेकिन एक बार जब फिल्म में उनकी एंट्री हो जाती है तो फिल्म और बेहतर हो जाती है सिर्फ एक्शन से ही नहीं बल्कि वह अपने वन लाइनर्स के साथ भी फिल्म की लाइमलाइट बन जाते हैं पुलिस की वर्दी के साथ उनके ताली बजाने योग्य डायलॉग थिएटर में हंगामा कर देते हैं महेश मांजरेकर चतुर राजनीति के रूम में बहुत जचते हैं अमोल गुप्ते शानदार हैं प्रतीक भापर थोड़ा हटकर दिखते हैं लेकिन अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी को सीमित स्क्रीन टाइम मिलता है राज के साथ भी ऐसा ही है गुलशन ग्रोवर स्टाइलिश दिखते हैं और अपने रोल में जचते हैं रोहित बोस राय आमृत के दाहिने हाथ के आदमी के रूप में ठीक है लेकिन सेकंड हाफ में उनका मकसद थोड़ा अटूट है समीर सोनी साध रंधावा विवाहन प्राथन और हर्ष शर्मा ठीक हैं सुनील शेट्टी एक कैमियो के रूप में अच्छे लगते हैं व काफी स्टाइलिश दिखते हैं इस तरह की फिल्म में संगीत का स्कोप सीमित है शुक्र है कि फिल्म में केवल दो ही गाने हैं डंका बजा और थिरकने वाला है जबकि शोर मचेगा अच्छी तरह से फिल्माया गया गाना है लेकिन एक पीरियड फिल्म में यह अजीब लगता है अमर मोहल्ले का बैकग्राउंड स्कोर नाटकीय और रोमांचक है शिखर भटनागर की सिनेमाटोग्राफी शिकायत में रहित है प्रिया सुहास और सुनील न्यूवेकर का प्रोडक्शन डिजाइन और नादि शाह का ड्रेस आर्थिक है अम्बरीव के एक्शन फिल्म में हाई पॉइंट में एक है न्यूट क्रिस्ट का बीफेक्स कुछ स्थानों पर अच्छा है सेकेंड हाफ में बंटी नेगी की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी कुल मिलाकर मुंबई सागा एक ऐसी फिल्म है जो बड़े पर्दे पर देखने लायक है शानदार सीन्स ताले बजाने योग्य डायलॉग अचानक आए ट्विट्स एंड टर्न जैसे कई तत्वों से भी सजी फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म दर्शक जुटाने में कामयाब होगी साथ ही वितरकों और प्रदर्शकों की खुशी का कारण बनेगी जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की फिल्म मुंबई सागा इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है फिल्म का ट्रेलर हो या आज रिलीज हुआ है फिल्म का गाना सुर मचेगा इसके दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है अब दर्शकों को इंतजार है तो सिर्फ इस फिल्म के रिलीज होने का जॉन अब्राहम इस फिल्म में एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं जो कि मशहूर गैंगस्टर अमृत राव और डी के राव की असल जिंदगी पर आधारित बनाया गया है काफ़ी लोग अमर्त राव के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे यह एक आम इंसान से मुंबई का नामी डॉन बन बैठा हालांकि जो नहीं जानते उनके लिए आज हम अपनी ये वीकेंड स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं इंटरनेट पर काफी लोग यह जानने की कोशिश करने में लगे हैं कि आखिर अमृत राव कौन था तो चलिए मुंबई के इस खूखार गैंगस्टर की कहानी हम जानते हैं मुंबई सागा फिल्म की कहानी 1980 और 1990 के दशक पर छटकी गई है जब मुंबई की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अमर्त्य राव का राज हुआ करता था अमर्त्य का जन्म मुंबई की एक झुग्गी में स्थित चाल में हुआ था और उसने अपना पूरा जीवन मटुंगा में बिताया था अमर्त्य राव भी चाल में रहने वाले एक आम इंसान की तरह ही था जब तक कि वह छोटा राजन से नहीं मिला था जी हां मुंबई का डॉन छोटा राजन अमृत राव छोटा राजन का सहयोगी हुआ करता था छोटा राजन के कहने पर अमृत राव ने कई बिजनेसमैन को मौत की नींद सुलाया था अमृत राव छोटा राजन की हर एक बात माना करता था छोटा राजन के इशारे पर एक के बाद एक कई खून करने के बाद वह कुछ समय में ही छोटा राजन का राइट हैंड बन गया था मुंबई के घातक अपराधियों में अमर्त राव का नाम लिस्ट में टॉप पर हुआ करता था हवाला नेटवर्क के जरिए वह जिस तरह से चोरी करता था उसके लिए वह काफ़ी मशहूर था उसकी टिकड़मबाजी अच्छे अच्छे नहीं पता कर पाते थे और वह मान लेकर यूँ फुर हो जाता था कि मानो जैसे कोई चील अपना शिकार लेकर उड़ भागी हो अमृत राव के आतंक से मुंबई हमेशा परेशान रहती थी पुलिस ने एक बार अमृत राव के एनकाउंटर का प्लान बनाया पर वह इतना तेज था कि एनकाउंटर के बाद खुद को मुर्दा दिखाकर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला गैंगस्टर की किस्मत बहुत अच्छी निकली वह उस वक्त छोटा राजन से अलग होने के बाद अमरत राव ने अपना एक गंग बना लिया था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की रडार पर भी था दाऊद राव के खेल खत्म करना चाहता था जो कि मुंबई पुलिस नहीं कर पा रही थी राव को सात गोलियां लगी थी लेकिन वह फिर भी अपनी जान बचाकर भाग निकला था आमर्त करीब तीन बार पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुआ था हालांकि वह जानता था कि अगर वह बाहर रहेगा तो दाऊद उसे मौत की घाट उतरवा देगा इसलिए उसने जेल में जाने का फैसला किया वह काफ़ी समय तक जेल में रहा 2016 में वह बार बार आया लेकिन उसने फिर से वही सब काम करने शुरू कर दिए थे बारह अक्टूबर 2017 को एक बार फिर से उसकी गिरफ्तारी की गई हालांकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि जॉन अब्राहम के मुंबई सागर में अमरतराव के जीवन से जुड़ी घटनाओं और उनकी कहानी को बिल्कुल वैसे ही नहीं दर्शाया गया है जैसा कि असल जिंदगी में हुआ था कहा जा रहा की फिल्म की कहानी गैंगस्टर की कहानी से प्रेरित जरूर है लेकिन फिल्म पूरी तरह से उस पर आधारित नहीं है संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के अलावा काजल अग्रवाल भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। आमर त्राव यानी जॉन अब्राहम रेलवे स्टेशन पर सब्जी बेचता है मुंबई पर गैंगस्टर गायकोंडे यानी अमोल गुप्ते का राज है वह हफ्ता वसूली करता है आमर्त चुपचाप सब कुछ सहन करता है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आमर्त का छोटा भाई हफ्ता देने से इनकार कर देता है ऐसे में आबाद गायकोंडे को बर्दाश्त नहीं होती है वह उसके भाई को अदमरा कर देते हैं अब अमर्थ राय तय करता है कि बदला चाहिए इसमें उसे भाव यानी महेश मांजरेकर का साथ मिलता है यहाँ एंट्री होती है विजय यानी इमरान हाशमी की वह इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इस है इसके बाद चोर पुलिस शुरू होता है वही घिसा पिटा फार्मूला बदले की आग में चल रहा भाई उसका खात्मा करने के लिए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बीच में नेता और राजनीति का टांडो कहानी में कुछ संवाद याद रह जाने योग्य है जैसे बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ डराने के लिए नाम ही काफ़ी है ऐसे कुछ संवाद हैं जो अच्छे हैं जब निर्देशक इतने सारे कलाकारों को फिल्म में शामिल कर उनके पास करने को कुछ नहीं रहता है तो बस स्क्रीन पर दिखाने के लिए उनको क्यों शामिल करते हैं सुनील शेट्टी प्रतीक बब्बर गुलशन ग्रोवर काजल अग्रवाल के अलावा और भी अन्य कलाकारों का कुछ खास काम नजर नहीं आया इसके अलावा पुराने ज़माने वाला एक्शन है जॉन का या एंग्री यंग मैन रूप पहले भी कई बार देख चुके हैं अब वह अंदाज़ उनका बोर करता है सब कुछ पुराने जमाने की पिक्चर जैसा ही है बेवजह निर्देशक ने इसे बनाने की जहमत उठाई है जॉन के अभिनय में कोई नयापन नहीं है वह अपनी पिछली ए, ऐसी कई फिल्मों में हैंगओवर में ही नज़र आते हैं इमोशन दृश्यों में उनकी कमजोरी फौरन पकड़ में आ जाती है इमरान हाशमी के कारण या फिल्म देखी जा सकती है केवल अमोल गुप्ते का काम अच्छा है विशेष कलाकारों के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ भी नहीं है बॉलीवुड के जिन फिल्मकारों का बिलायती फिल्मों पर हाथ मारे बगैर काम नहीं चलता संजय गुप्ता उनमें से एक हैं उन्होंने यह सिलसिला बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म आतिश जो कि उन्नीस में आई थी से शुरू कर दिया था यह हॉलीवुड की टेस्ट ऑफ ग्रेस और हांगकांग की एवेटर टिमारो की काक टेली थी अमिताभ बच्चन की दीवार का भी थोड़ा तड़का लगाया गया था उनकी कांटे हांगकांग की सिटी ऑन फायर और हॉलीवुड की रेज वार डाक्स का जोड़ अंतर थी कई बिलायती फिल्मों का देसी चरबा बनाने के बाद 2007 में उन्होंने पहली बार निर्माता की हैसियत से देसी कहानी पर शूट आउट एट लोखंड वाला बनाई जिसका निर्देशन अपूर्व लखिया से करवाया मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में 1991 में हुई गैंगस्टर और पुलिस की मुठभेड़ पर आधारित इस फिल्म के बाद वह शूट आउट ऐट वाडला जो कि 2013 में आई थी भी बना चुके हैं गैंगस्टर की खून खराबे वाली दुनिया पर जनाब इतने मोहित हैं कि अब मुंबई सागा लेकर आए हैं सिर्फ नाम अलग है बाकी फिल्म में वही घिसे पिटे मसाले हैं जो गैंगस्टर पर बन चुकी दर्जनों फिल्मों में दोहराए जा चुके हैं मुंबई सागा मुजरमों का महिमा बंडन करती है और उस पुलिस का उपहास उड़ाती है हकीकत में जिसने अंडरवर्ल्ड के भाव और भाइयों पर नकल कस रखी है काल्पनिक और सत्य का एक साथ मुंबई सागा की शुरुआत में हम फिल्म के सभी किरदार और घटनाएं काल्पनिक हैं की जानी पहचानी पट्टी दिखाई जाती है पहले ही पल दूसरी पट्टी आती है सत्य घटनाओं पर आधारित यह मजरा समझ में नहीं आया किसी फिल्म की घटनाएं एक साथ काल्पनिक और सत्य कैसे हो सकती हैं साथ संजय गुप्ता फैसला दर्शकों पर छोड़ना चाहते हैं जिसकी जैसी भावना हो वैसा समझ ले फिल्म में हिंसा का आलम यह है कि पहले ही सीन में गैंगस्टर जॉन अब्राहम एक उद्योगपति यानी समीर सोनी को गोलियों से भून देते हैं यह उद्योगपति अपनी मिल बेचाने की तैयारी में था सियासत के भाव महेश मांजरेकर को फिक्र थी कि मिल बंद हो गई है तो उसके हजारों कामगारों के वोट उनके हाथ से फिसल जाएंगे भाव के सरों पर खून खराबे का मोर्चा जॉन अब्राहम ने संभाल रखा है एक दूसरे गैंगस्टर गायतोंडे यानी अमोल गुप्ते से जॉन अब्राहम की पुरानी रंजिश चल रही है पूरी फिल्म में अमोल गुप्ते आँखें निकाल निकाल कर खानलाइकी के त्यौहार दिखाने की कोशिश तो खूब करते हैं पर बात नहीं बनती वह सिंघम रिटर्न वाले अपने किरदार की परोड़ी करते लगते हैं रह रहकर चलती गोलियों और किसी न किसी के राम नाम सत्य के बीच देवानगित उद्योगपति की पत्नी यानी अंजना सुखानी पुलिस मुख्यालय में आकर ऐलान कर जाती हैं कि जो उनके पति के हत्यारे यानी जॉन अब्राहम के सिर में गोली उतारेगा दस करोड़ का इनाम पाएगा एंट्रोल से ठीक पहले इनाम के दावेदार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इमरान हाशमी की एंट्री होती है आगे जब जो होना है तब वो हो होता है कि तर्ज पर कहानी क्लाइमेक्स तक का सफ़र पूरा करती है पेंटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर जॉन अब्राहम ने पिंचरों में पक्षियों को नहीं रखने के लिए किया था अनुरोध हर सीन में अगले सीन का अंदाज़ा मुंबई सागा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे पहले किसी फिल्म में नहीं देखा गया हो इस तरह की फिल्में पसंद करने वाले दर्शक भी इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हर सीन में वह अगले सीन का अंदाजा लगा लेते हैं कई बार एडवांस में तालियां भी बजा देते हैं इंटरवल तक मुंबई सागा तो ठीक ठाक पटकथा का सहारा मिला दूसरे भाग में पटकथा भी ढीली है और संजय गुप्ता की पकड़ उससे ज़्यादा ढीली हो गई अपनी फिल्मों में पीली रोशनी वाले लंबे लंबे सीन रखना उनकी पुरानी आदत है मुंबई सागा भी कई हिस्सों में पुल्ली होकर किसी मरीज की तरह थकी थकी सी लगती है भावनाओं पर जॉन का बस नहीं मारधाड़ में जॉन अब्राहम माहिर हैं लेकिन भावुक दृश्यों में जनाब उतने ही अनाड़ी लगते हैं इस फिल्म में अपने छोटे भाई प्रतीक बब्बर को कहीं के लिए रवाना करने से पहले जब वह मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा बोलते हैं तो यह छोटा सा जुर्मला उनकी अदाकारी की हद बता देता है काजल अग्रवाल को सिर्फ़ जॉन अब्राहम के आगे पीछे घूमना था उनके बदले कोई और हीरोइन होती तो इतना काम वह भी कर लेती सियासी दावपेश में माहिर भाव के किरदार में महेश मांजरेकर ठीक ठाक हैं इस तरह का किरदार वह इतनी फिल्मों में अदा कर चुके हैं कि उन्हें उन्हें कंटस्ट हो चुका है कि फिल्म में सुनील शेट्टी और गुलशन ग्रोवर भी बीच बीच में हाजिरी देते रहते हैं कान के पर्दे हिलाता है बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की फोटोग्राफी अच्छी है खासकर मुंबई की सड़कों पर भागते वाहनों के सीन सलीके से फिल्माए गए हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम पर कई हिस्सों में तीखा शोर शराबा है कि कान के पर्दे हिलने लगते हैं गाने सभी बेजान हैं जब भी पर्दे पर कोई गाना आता है लोग जरूरी काम निपटाने सिनेमाघर से बाहर चल देते हैं जो हनी सिंह ने खाम खा पर्दे पर आकर शोर मचे गाना पेश किया बेवजह का शोर तो पूरी फिल्म में मचा हुआ है दोस्तों देश की आर्थिक राजधानी का नाम भले ही बॉम्बे से बम्बई और अब मुंबई हो गया हो उसका चेहरा बदल गया हो लेकिन चाल और चरित्र अभी भी पहले जैसा ही है मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया के पास लावारिस स्पारियों में विस्फोटक मिलने के बाद एक बार फिर पुलिस अपराधियों नेताओं और उद्योगपतियों का नेक्शन सामने आया है और कभी अस्सी और नब्बे के दशक में दिखता है ऐसे ही कहानी को मुंबई सागा के जरिए निर्देशक संजय गुप्ता ने रू पहले पर्दे पर उतारा है यह कहानी है उस वक्त की जब मुंबई बॉम्बे थी शहर की सूरत बदल रही थी मिल बंद हो रहे थे माल खुल रहे थे अंडरवर्ल्ड के कई गैंग एक साथ शहर में पल रहे थे बढ़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे पुलिस संगठित अपराध को ख़त्म करने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे थे इनमें गैंगस्टर अमृत राव यानी जॉन अब्राहम है गुंडा गायतोंडे अमोल गुप्ते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस इंस्पेक्टर विजय सावरकर इमरान हाशमी हैं, सफेद पोध नेता भाव महेश मांजरेकर हैं बिजनेसमैन समीर सोनी हैं, पूरी फिल्म इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म मुंबई सागा में इमरान हाशमी पुलिस इंस्पेक्टर और जॉन अब्राहम गैंगस्टर की भूमिका में हैं। फिल्म मुंबई सांगा में इमरान हाशमी जान अब्राहम गैंगस्टर के अलावा काजल अग्रवाल सुनील शेट्टी जय की प्रतीक बब्बर गुलशन ग्रोवर अंजना सुखानी समीर सोनी रोहित राय और अमोल गुप्ते जैसे कलाकारों की भूमिका भी अहम है ये कलाकार गैंगस्टर पॉलिटिशियन और पुलिसकर्मियों के रोल में हैं शूट आउट एट लोखंड वाला और शूट आउट एट वाडला जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले संजय गुप्ता ने उस दौर के नेक्सस को फिल्म के जरिए पेश करने की पूरी कोशिश की है संजय एक बार फिर वही गैंगस्टर ड्रामा लेकर आए हैं जिसमें गैंगस्टर बनाम पुलिस का खेल है पकड़ती भुजाओ धड़कती टोलियों और बरसती गोलियों के बीच इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बॉम्बे की एक सब्जी मार्केट से जहां एक हफ्ता वसूली के चक्कर में गुंडे एक लड़के अर्जुन राव की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं अर्जुन के बड़े भाई अमृत राव को जैसे ही ये बात पता चलती है वो आग बबूला हो जाता है अपने इलाके में हफ्ता वसी बंद करने की कसम खाता है एक सीधा साधा इंसान हफ्ता वसीूली बंद कराने के चक्कर में खुद एक गैंगस्टर बन जाता है उस दौर के बॉम्बे में गैंगस्टरों का बोलबाला था दुकानदारों से हफ्ता वसूली के दृश्य आम थे ऐसे में अमृत राव उनके खिलाफ़ खड़ा होता है अन्याय की इस लड़ाई में अपनी ताकत से खौफ का दूसरा नाम बन जाता है इसी बीच उसे मुरली शंकर यानी सुनील शेट्टी ड्रग डीलर नाली खान यानी कुलशन ग्रोवर और एक नेता भाव यानी माहेश मांजरेकर से आगे बढ़ने से मदद मिलती है यह भाव का किरदार शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के जीवन से प्रेरित लगता है एक दिन भाव के कहने पर अमरत एक बिजनेसमैन समीर सोनी को गोली मार देता है उस बिजनेसमैन की पत्नी अंजना सुखानी अपने पति की हत्या करने वाले को पकड़ने के लिए दस करोड़ के इनाम का ऐलान कर देती है इसके बाद एंट्री होती है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस इंस्पेक्टर विजय सावरकर यानी इमरान हसमी की जिसे मर्डर का एक केस सौंप दिया जाता है इसके बाद शुरू होता है पुलिस और गैंगस्टर के बीच चूहे बिल्ली का खेल पुलिस इंस्पेक्टर अपनी फोर्स के साथ मुंबई में स्थापित गुंडाराज को खत्म करने लगता है इसी बीच अमृतराव और विजय सावरकर की मुलाकात एक टैक्सी में होती है इसके आगे क्या होता है क्या विजय सावरकर गैंगस्टर अमृत राव को मार पाता है क्या भाव अमृत राव को बचा लेता है ये सब जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी वैसे बॉलीवुड के हल्क जान अब्रह एक बार फिर फुल एक्शन अवतार में हैं जमकर मारधाड़ कर रहे हैं रही सही कसर डायलागबाजी पूरी कर रही है इंस्पेक्टर के में रहे फिल्म की कहानी नई बोतल में पुरानी शराब जैसी है लेकिन एक्शन और डायलॉग ऐसे हैं कि दर्शक पर्दे से नजर नहीं हटा पाएंगे अब टैक्सी ड्राइवर बनकर आमर्त राव पुलिस इंस्पेक्टर विजय सार के पास जाता है तो कहता है बस हाथ मिला लीजिए साहब जिस दिन किस्मत ने आपका साथ दिया और आपने उस प्लेयर को मारा तब मैं बोल सकूँगा मैंने मौत से हाथ मिलाया था इसी तरह अमर्त कहता है गायतोंडे आज से तेरा किस्सा ख़त्म और मेरी कहानी शुरू बंदूक को केवल शौक के लिए रखता हूँ डराने के लिए नाम ही काफ़ी है आमर्थ राव पुलिस इंस्पेक्टर को जब गैंगस्टर का केस दिया जाता है तो वह कहता है सवाल ये नहीं कि आमर्थ मरेगा सवाल यह है कि सौ करोड़ रुपये का मैं क्या करूँगा <laughs> कोरोना काल में घर बैठे बोर हो गए लोगों के लिए फिल्म मुंबई सागा एक अलग तरह का एक्सपीरियंस कराएगी जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के फैंस के लिए यह फिल्म है ही लेकिन एक्शन पसंद करने वालों को भी बहुत पसंद आएगी ऊपर से यू यू हनी सिंह का गाना मनोरंजन में तड़का लगा देता है हाँ फिल्म की कहानी पुरानी है ऐसा लगेगा कि देखी देखी सी लग रही है लेकिन इसकी प्रशंसकता पुरानी नहीं है हाल में हुए इंटीलिया केस पर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दौर चाहे जो भी हो लेकिन कथा आज के मुंबई की ही है फिल्म औसत से अधिक अच्छी है मशहूर फिल्म समीक्षक तरल आदर्श ने फिल्म मुंबई सागा की तारीफ करते हुए लिखा है मुंबई सागा एक्शन फैक्ट फिल्म है जिसमें ज़बरदस्त डायलॉग हैं जॉन अब्राहम ने कमाल का, का काम किया है इमरान हाशमी ने धासु परफॉर्मेंस दी है महेश मांजरेकर और अमुल गुप्ते ने भी अच्छा काम किया है यह एक मास इंटरटेनर है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ धारदार है सेकेंड हाफ अच्छा है तरल आदर्श ने फिल्म को साढ़े स्टार रेटिंग दी है फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा लिखती हैं मुंबई सागा स्पष्ट रूप से सच्ची घटनाओं से प्रेरित है मुझे लगता है कि यह एक दमदार कहानी है जिसमें से लेकर तरीके से आप बताया गया है कि बम्बई से मुंबई बनने के दौरान इस शहर ने क्या खोया और क्या पाया हालांकि संजय गुप्ता इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं उनको तो अपराधियों का महिमामंडन करना है आप थिएटर में जाकर मुंबई सागा देख सकते हैं मास्क पहनना ना भूलें फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा लिखते हैं कुल मिलाकर मुंबई सागा जनता के लिए एक अच्छी मसाला फिल्म है लेकिन यह क्लास और फैमिली ऑडियंस के लिए सीमित अपील करती है फिल्म के शीर्षक में सागा शब्द खटकता है क्योंकि सागा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला अंग्रेजी शब्द नहीं है इसकी जगह कथा या कहानी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसा करना दर्शकों के लिए प्रशंसक होगा फिल्म पत्रकार पंकज शुक्ला का कहना है कि जॉन अब्राहम की फिल्म में इमरान हाशमी ने कमाल कर दिया है लेकिन संजय गुप्ता ने अपने लिए खतरे की घंटी बजा दी है वह लिखते हैं फिल्म मुंबई सागा उस खांचे का सिनेमा है जिसमें कभी धर्मेंद्र की जलचला हुकूमत लोहा जैसी फिल्में शामिल होती रही हैं कहानी कुछ नहीं है शोर ज़्यादा है कानों में रुई लगाने की नौबत आ सकती है बैकग्राउंड म्यूजिक भी शोर से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया है द ललन टाइप के श्वेतान शेखर लिखते हैं मुंबई सागा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है मगर इसका थिएटर एक्सपीरियंस कमाल का, का है अगर आप मार काट और बंदूकों को लय सेक्शन फिल्म देखने के शौकीन हैं तो जाइए सिनेमा देखिए अगर लंबे समय से किसी ढंग की फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप ये इंतज़ार इस फिल्म पर ख़त्म नहीं होता तो हम सिर्फ़ इतना कहेंगे कि आपका ये इंतज़ार इस फिल्म पर ख़त्म नहीं होता मुंबई सागा संजय गुप्ता की पिछली फिल्मों से कुछ खास अलग नहीं है कांटे काबिल शूट आउट ऐट सूट आउट एट वाडला जैसे गैंगस्टर वाली एक्शन प्रधान डार्क और इंटेंस फिल्मों साहब जिस दिन किस्मत ने आपका साथ दिया और आपने उस प्लेयर को मारा तब कम से कम मैं बोल सकूंगा कि मैंने मौत से हाथ मिलाया था दोस्तों देश की आर्थिक राजधानी का नाम भले ही बॉम्बे से बम्बई और अब मुंबई हो गया हो उसका चेहरा बदल गया हो लेकिन चाल और चरित्र अभी भी पहले जैसा ही है मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया के पास लावारिस स्पारियों में विस्फोटक मिलने के बाद एक बार फिर पुलिस अपराधियों नेताओं और उद्योगपतियों का नेक्शन सामने आया है और कभी 80 और 90 के दशक में दिखता है ऐसे ही कहानी को मुंबई सागा के जरिए निर्देशक संजय गुप्ता ने रू पहले पर्दे पर उतारा है यह कहानी है उस वक्त की जब मुंबई बॉम्बे थी शहर की सूरत बदल रही थी मिल बंद हो रहे थे माल खुल रहे थे अंडरवर्ल्ड के कई गैंग एक साथ शहर में पल रहे थे बढ़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे पुलिस संगठित अपराध को ख़त्म करने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे थे इनमें गैंगस्टर अमृत राव यानी जॉन अब्राहम है गुंडा गायतोंडे अमोल गुप्ते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस इंस्पेक्टर विजय सावरकर इमरान हाशमी हैं सफ़ेद नेता भाव महेश मांजरेकर हैं बिजनेसमैन समीर सोनी हैं, पूरी फिल्म इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म मुंबई सागा में इमरान हाशमी पुलिस इंस्पेक्टर और जॉन अब्राहम गैंगस्टर की भूमिका में हैं फिल्म मुंबई सांगा में इमरान हाशमी जॉन अब्राहम, गैंगस्टर के अलावा काजल अग्रवाल सुनील शेट्टी जय कि प्रतीक बब्बर गुलशन ग्रोवर अंजना सुखानी समीर सोनी रोहित राय और अमोल गुप्ते जैसे कलाकारों की भूमिका भी अहम है ये कलाकार गैंगस्टर पॉलिटिशियन और पुलिसकर्मियों के रोल में हैं शूट आउट ऐट लोखंडवाला और शूट आउट एट वाडला जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले संजय गुप्ता ने उस दौर के नेक्सस को फिल्म के जरिए पेश करने की पूरी कोशिश की है संजय एक बार फिर वही गैंगस्टर ड्रामा लेकर आए हैं जिसमें गैंगस्टर बनाम पुलिस का खेल है पकड़ती भुजाओ धड़कती टोलियों और बरसती गोलियों के बीच इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बॉम्बे की एक सब्जी मार्केट से जहां एक हफ्ता वसूली के चक्कर में गुंडे एक लड़के अर्जुन राव की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं अर्जुन के बड़े भाई अमृत राव को जैसे ही ये बात पता चलती है वो आग बबूला हो जाता है अपने इलाके में हफ्ता वसी बंद करने की कसम खाता है एक सीधा साधा इंसान मुंबई अडर पर फिल्म बनाने का हेड फार्मूला बॉलीवुड में काफी प्रचलित है फिल्म मेकर संजय गुप्ता भी इस विषय पर दो फिल्में बना चुके हैं और अब संजय गुप्ता लेकर आए हैं एक और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बेस्ट फिल्म मुंबई सागा जिसमें जॉन अब्राहम और इमरान हसमी लीड रोल में नजर आए हैं इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई मुंबई सागा दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब हो पाएगी या एक... या यह अपने प्रयास में विफल होती है आइए समीक्षा करते हैं मुंबई सागा एक गैंगस्टर और एक पुलिस वाले के बीच की प्रतिद्वंदी की कहानी है अस्सी के दशक के मध्य में अमरत राव अपने परिवार के साथ रहता है उसकी फैमिली में उसके पिता उसकी फैमिली में उसके पिता राजेंद्र गुप्ता भाई अर्जुन हर शर्मा और पत्नी सीमा यानी काजल अग्रवाल शामिल हैं उनका परिवार सड़कों पर सब्जियाँ बेच रहा है उन्हें परेशान किया जाता है क्योंकि उन्हें गायटुंडे यानी अमोल गुप्ते गुंडों को हफ्ता यानी रिश्वत देना पड़ता है एक दिन अर्जुन एक गुंडे के साथ बहस करता है और वो गुंडा अर्जुन को पुल से फेंक देता है आमर्त ने अब तक गैंगस्टरों के साथ नहीं जुड़ने का फैसला किया था लेकिन आमर्त अर्जुन को बचा लेता है अर्जुन के लिए चिंतित आमृता के लिए गायटुंडे के आदमियों के साथ मारपीट करता है और यहाँ तक कि उन गुंडों में से एक के हाथ भी काट देता है गैटुंडे जो जेल में बंद है और वहीं से अपनी गुंडागर्दी झाड़ता है पुलिस को अमृत को गिरफ्तार करने के लिए कहता है पुलिस को अमृत को गिरफ़्तार करने के लिए कहता है पुलिस अमृत को भी उसी जेल में डाल देती है गायटुंडे के गुर्गे जेल में आमृत पर हमला करते हैं फिर भी आमृत अकेले ही उनसे मुकाबला करता है और उन्हें हरा देता है गायटुंडे को फिर पता चलता है कि आमृत बहुत खतरनाक है अगले दिन आमृत को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है यह मुंबई के अनौपचारिक राजा भाव एन महेश मांजरेकर द्वारा हो पाया भाव साम्राज्य को खत्म करने का आफर देता है कुछ ही समय में आमर्थ व्यापार के गुरख जाता है बौदादार और भैखला के बीच गाइटुंडे के इलाके में भी नापता है हार मानने के सिवाय गाइटुंडे के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कहानी फिर 12 साल आगे बढ़ती है अर्जुन ने प्रत्येक बब्बर पर अब खड़ा हो गया है और उसकी रक्षा के लिए आमर्थ उसे यू के भेज देता है इस बीच सुनील खेतान खेतानी समीर सैनी जो एक उद्योगपति है और अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित एक मिल का मालिक है वह सभी मिल श्रमिकों को हटाना चाहता है वह मिल मालकों को बेतकल करने के लिए गाइटुंडे की मदद लेता है भाऊ अमर से कहता है कि वह सुनील खेतान को मिल बेचने से रोके जिससे उसे वोट मिल सके अमर्थ सुनील से मिलता है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है अमृत की प्रवृत्ति के बारे में सुनील गाइटुंडे ने शिकायत करता है जो अभी कार्रवाई में गायटुंडे अर्जुन को मारने की कोशिश करता है अब अर्जुन मुंबई आया हुआ है लेकिन अर्जुन कैसे कर भी करके खुद को बचा लेता है गुस्से में आमर्द सुनील खेतान को दिन के उजाले में खत्म कर देता है जिसके बाद सुनील की विधवा सुनाली यानी अंजना सुखान पुलिस मुख्यालय जाती है और घोषणा करती है कि वह अमृत को मारने वाले पुलिस को 10 करोड़ का इनाम देगी विजय सावरकर ने इमरान हसमी इस ऑफर में दिलचस्पी लेता है और निर्णय लेता है कि वह अमृत को मार डालेगा इसके बाद आगे क्या होता है यह आगे की फिल्म देखने के बाद पता चलता है संजय गुप्ता की कहानी दिलचस्प और रोमांच और कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है इसके अलावा यह उन लोगों पर आधारित है जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे राबिन भट्ट और संजय गुप्ता की पटकथा प्रभावी है लेखक यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि मुख्य प्लाट पर ध्यान केंद्रित रहे और दर्शक एक सेकेंड के लिए भी ओब न जाए इसलिए फिल्म की सही गश से आगे बढ़ती है कुछ सीन फिल्म में असाधारण हैं और अच्छे से सोचे गए हैं संजय गुप्ता के डायलॉग्स फिल्म के आकर्षण को बढ़ाते हैं कुछ मॉल लाइनर सिनेमाघरों में ताली बजाने के लिए निश्चित करते हैं संजय गुप्ता का निर्देशन सटेक है वह बहुत ही नाटकीय और मनोरंजक तरीके से कहानी को पेश करते हैं नतीजन फिल्म मेकर्स कई सारे को मंत्रमुग्ध कर देने वाले सीन देखने को मिलते हैं आमर्थ और सवारकर के किरदार विशेष रूप से मजबूत हैं और अच्छी तरह से फिल्माए गए हैं वह इनके विपरीत कुछ योग्य किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है संजय गुप्ता को सेकंड हाफ को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहिए था खासकर क्लाइमैक्स को सेकेंड हाफ की लाइन भी एक मुद्दा है मुंबई सागा की शुरुआत काफी बेहतरीन होती है जिसमें कुछ दशक पहले मुंबई में राजनीतिक गैंगस्टर शार्ट गां को दर्शाया गया है बिना समय बर्बाद किए फिल्म आगे बढ़ती है और यह बताया जाता है कि आखिर आमर्थ डान क्यों बन पाया वो सीन जहां आमर्थ ने रेलवे ब्रिज पर गार्डेंडो के आदमियों पर हमला किया अप्रतिष्ठित रूप से शुरू होता है और इसे दर्शकों द्वारा सराहा जाएगा जेल वाला दूसरा सीन फिल्म के मजे को और बढ़ा देता है अमृत का उदय बहुत जल्दी होता है लेकिन शुक्र है कि फिल्म में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें दिलचस्पी बनी रहे सुनील खतान की हत्या का मामला हाई पॉइंट है इंटरमिशन दिलचस्प मोड़ पर आता है इंटरवल के बाद अमृत और सावरकर के बीच पीछा करने के सीन दर्शकों को शीर्ष से बांधे रखते हैं वही क्लाइमैक्स से ठीक पहले का ट्विस्ट भी हैरान कर देने वाला है हालांकि क्लाइमेक्स थोड़ा और बेहतर हो सकता था लेकिन कुल मिलाकर फिल्म देखने लायक है जोन अब्राहम टॉप फॉर्म में हैं वह हर लिहाज से एक खुखार गैंगस्टर दिखते हैं एक्शन सीन में तो वह छा जाते हैं कई जगहों पर उन्हें अपनी डिम्पल वाली स्माइल को संक्षेप में दिखाया गया है और और इससे उनके किरदार का करिश्मा और बढ़ जाता है इमरान हाशमी की एंट्री देर से होती है इसलिए उनके फैंस इससे निराश हो सकते हैं लेकिन एक बार जब फिल्म में उनकी एंट्री हो जाती है तब फिल्म और बेहतर हो जाती है सिर्फ एक्शन से ही नहीं बल्कि वह अपने वन लाइनर्स के साथ भी फिल्म की लाइम बन जाते हैं पुलिस की वर्दी के साथ उनके ताली बजाने योग्य डायलॉग थिएटर में हंगामा कर देते हैं महेश मांजरेकर चतुर राजनीति के रूम में बहुत जिसते हैं अमोल गुप्ते शानदार हैं प्रतीक बबर थोड़ा हटकर दिखते हैं लेकिन अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी को सीमित स्क्रीन टाइम मिलता है इत राज के साथ भी ऐसा ही है गुलशन ग्रोवर स्टाइलिश दिखते हैं और अपने रोल में जचते हैं रोहित बोस राय अमृत के दाहिने हाथ के आदमी के रूप में ठीक हैं लेकिन सेकंड हाफ में उनका मकसद थोड़ा अटूट है समीर सोनी साध रंधावा विवाहन प्राथन और हर्ष शर्मा ठीक हैं सुनील शेट्टी एक कैमियो के रूप में अच्छे लगते हैं व काफ़ी स्टाइलिश दिखते हैं इस तरह की फिल्म में संगीत का स्कोप सीमित है शुक्र है कि फिल्म में केवल दो ही गाने हैं डंका बजा और थिरकने वाला है जबकि शोर मचेगा अच्छी तरह से फिल्माया गया गाना है लेकिन एक पीरियड फिल्म में यह अजीब लगता है अमर मोहल्ले का बैकग्राउंड स्कोर नाटकीय और रोमांचक है शिखर भटनागर की सिनेमाटोग्राफी शिकायत में रहता है प्रिया सुहास और सुनील न्यूवेकर का प्रोडक्शन डिजाइन और नादिशाह का ड्रेस आर्थिक है अम्बरीव के एक्शन फिल्म में हाई पॉइंट में एक है न्यूड क्रिस्ट का बीफेक्स कुछ स्थानों पर अच्छा है सेकंड हाफ में बंटी नेगी की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी कुल मिलाकर मुंबई सागा एक ऐसी फिल्म है जो बड़े पर्दे पर देखने लायक है शानदार सीन्स ताले बजाने योग्य डायलॉग अचानक आए ट्विट्स एंड टर्न जैसे कई तत्वों से भी सजी फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म दर्शक जुटाने में कामयाब होगी साथ ही वितरकों और प्रदर्शकों की खुशी का कारण बनेगी जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की फिल्म मुंबई सागा इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है फिल्म का ट्रेलर हो या आज रिलीज हुआ है फिल्म का गाना सुर मचेगा इसके दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है अब दर्शकों को इंतज़ार है तो सिर्फ़ इस फिल्म के रिलीज होने का जॉन अब्राहम इस फिल्म में एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं जो कि मशहूर गैंगस्टर अमृत राव और डी के राव की असल जिंदगी पर आधारित बनाया गया है काफ़ी लोग अमर्त राव के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे यह एक आम इंसान से मुंबई का नामी डॉन बन बैठा हालांकि जो नहीं जानते उनके लिए आज हम अपनी ये